जेक रयान्स शेडो रिक्रूट 2014 मूवी के फैक्टर रिव्यूज। जेक रयान्स शेडो रिक्रूट 2014 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लेखक टॉम कैलेंसी द्वारा बनाए गए चरित्र जेक रयान पर आधारित है। यह जेक रयान श्रृंखला की पांचवी फिल्म उसकी दूसरी रिबूट है और पूर्ववर्तियों के विपरीत एक किसी विशेष कैलेंसी उपन्यास का रूपांतरण नहीं है बल्कि एक मूल कहानी है। क्रिस पाइन मुख्य भूमिका में है और एलेन बोल्डविन हैरिसन फोर्ड और बेन एफ्लेक के बाद रयान की भूमिका निभाने वाले चौथे अभिनेता बन गए हैं। फिल्म का निर्देशन केनेथ ब्राउन ने किया है जिसमें केविन कोस्टनर और कायरा नाइटली भी है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं केनेथ ब्राउन। यह फिल्म लिखित है एडम कोसा डेविस कोयप्पे पर। इस फिल्म की आधारिकता है टॉम कैलेंसी द्वारा निर्मित पात पर। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है मेस निफील्ड लेरेंजो डी बोनावेंटुरा डेविड बेरन मार्क वेराडे ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिश पाइन ने केविन कॉस्टनर ने केनेथ ब्राउन ने कैरा नाइटली ने। इस फिल्म का छायाकान क्या है हैरिस जेम्बा ल्यूकोस ने। यह फिल्म संपादित है मार्टिन वॉलस द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है प्रेटिक डॉयल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडॉन्स बीटियास जी बोनावेंटुरा पिक्चर्स मैस निफील्ड प्रोडक्शंस। यह फिल्म वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 17 जनवरी 2014 है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस फिल्म का कार्यकारी समय 105 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 मिलियन रहा। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 135.5 मिलियन रहा है। मूल पटकथा एडम कोजेंट और डेविड कोएप द्वारा लिखित गई है। फिल्म का निर्माण मैस नेफेल लेरेंजो डी वेनाटुरा डेविड बेरोन और मार्क वेराडियन द्वारा किया गया था जिसमें डेविड एलिशन डाना गोल्डबर्ग पोल श्रके और टोमी हार्पर्स कार्य का निर्माता थे। फिल्म का श्रो प्रेटिक डॉयल पर रचा गया था। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। इसमें 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा मिली है। यह करेंसी को समर्पित है जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर 2013 को हुई थी। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 11 सितंबर के हमलों के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला जेक रयान अफगानिस्तान के सेवानिवृत्त एक अमेरिकी मैरीन अधिकारी बन जाता है जब तक कि उसने हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने पर अपने दो साथी नौसैनिकों को बचाते समय उसकी रीढ़ गंभीर रूप से घायल हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लंबे स्वास्थ्य लाभ के दौरान उसकी मुलाकात कैथी मूलर से होती है जो एक मेडिकल छात्र है जो उसे ठीक होने में मदद कर रहा है। बाद में एक अनुभवी CIA अधिकारी थॉमस हॉर्पर जेक की भर्ती करता है। 10 साल बाद रयान वॉल ऑफ स्ट्रीट पर CIA के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि का संकेत देता है। इसमें मूल रूप से बनाए गए लेन देन वित्तीय की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि को संकेत देता है जबकि मूलर अपनी अब उसकी मंगेतर है। जब रूस संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण वोट हार जाता है और बाजार उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देता और रयान को पता चलता है कि रूसी व्यापारिक हितों के बाद मौजूद अरबों डॉलर जिसमें से अधिकांश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी कुलीन विक्टर चेरेविन के हैं गायब हो गए हैं। रयान का नियोक्ता चेरेविन के व्यवसायों में से एक के साथ व्यापार करता है जब एक ऑडिटर के रूप में रयान को कुछ खाते अपनी पहुंच से बाहर लगते हैं तो वह इसी मास्को जाने की जांच करने के लिए एक वैन बहाने के रूप में उपयोग करता है। खुद को अंगरक्षक बताने वाले एक हत्यारे द्वारा उसकी जान लेने की कोशिश के बाल बाल बचने के बाद रयान CIA के संपर्क करता है और आश्चर्यचकित होता है कि उसका बैकअप और पर है। स्टाइसा स्क्वायर में अपनी चर्चा के दौरान रयान बताने की कैसे चेरेविन के अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जाल संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आतंकवादी हमले के बाद पूर्ण वित्तीय पतन के लिए असुरक्षित बनता है। अगले दिन रयान की मुलाकात कात्या से होती है जो उसे चेरेविन के कार्यालय तक ले जाती है। उनकी बैठक में उन्हें बताया गया है कि समस्याग्रस्त कंपनी को उसकी सभी संपत्तियाँ भी अभी बेची गई हैं जिसमें ऑडिटर नहीं हो पा रहा है। इस बीच मुलर को संदेह होता है कि रयान का अफेयर चल रहा है। वह मास्को चला जाता है। अविवाहित जोड़ों के लिए प्रोटोकॉल के विरुद्ध रयान ने उसे अपनी CIA नौकरी के बारे में बताया। इस स्थिति में सुधार करते हुए हार्पर ने मुलर को चेरेविन के कार्यालय में घुसमेट करने में मदद करने के लिए मना लिया है।
रियान और मुलर कार्यालय के सामने वाली सड़क को पार कर एक महंगे रेस्तरां में चेरेविक से मिलते हैं रियान, जिसके कथित तौर पर रात में खाने से पहले ही बहुत अधिक शराब पी ली थी। एब्रत व्यवहार करता है और मुलर उसे सुझाव देता है कि वह टहल ले। चेरेविक का एक्सिस कार्ड प्राप्त करने के बाद रियान चेरेविक के कार्यालय में प्रवेश करता है, जहाँ वह कंप्यूटर से महत्वपूर्ण फाइलें डाउनलोड करता है, जबकि मुलर चेरेविक के साथ विभिन्न विषयों में से एक ध्यान भटकती रहती है। वह ऐसे लक्षण देखती है जिससे पता चलता है कि उसे शिरोसिस है और उससे उसके बारे में पूछती है। चेरेविक ने कंप्यूटर का संदिग्ध गतिविधि का पता चला है और गार्ड मुस्पेट का पता लगाने के लिए इमारत में दौड़ पड़े हैं। काट्या चेरेविक को पाकर सतर्क हो जाती है, जो गुस्से में मुलर को अपने कार्यालय लौटने के लिए रेस्तरां से बाहर ले जाता है। सड़क पर उसकी मुलाकात रियान से होती है और अपने व्यवहार के प्रति माफ़ी मांगता है और मुलर के साथ चला जाता है। चेरेविक के आदमी CIA समूह के अड्डे पर पता लगाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं और मुलर का आक्रमण प्राप्त लेते हैं। क्रोधित होकर रियान उसका पीछा करता है और उसे बचाता है। रियान और CIA को पता चला है कि चेरेविक के वर्षों के संघर्ष के चीनी और जापानी राज्य अर्थव्यवस्थाओं को गुप्त रूप से सराहा दिया है, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। साथ ही अपने बेटे एलेक्जेंडर को सिप्लियर एजेंट के रूप में अमेरिकी रखने के लिए एक गलत मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। रियान पेटर्न पहचानने की अपनी प्रतिभा का उपकरण एक निर्धारित करने के लिए करता है और एलेक्जेंडर द्वारा स्ट्रीट पर एक आतंकवादी हमले को अंजाम देगा। न्यूयॉर्क से लौटकर वह एलेक्जेंडर द्वारा संचालित एक नकली पुलिस प्रतिक्रिया वाहन का पता लगाता है, उसे पकड़ लेता है और वाहन के अंदर एक बम का पता लगाता है। इसे शांत करने में असमर्थ वह वाहन का अपहरण कर लेता है और बाहर कूदते समय उसे पूर्वी नदी में गिरा देता है। बम विस्फोट हुआ है जिससे एलेक्जेंडर की मौत हो गई है। चेरेविक के साथी साजिशकर्ताओं ने अपने ट्रैक को छुपाने के लिए उसे मार डाला है। बाद में रियान, जो अब शादीशुदा है और हार्पर की राष्ट्रपति हो, उसके अगले कदम के बारे में जानकारी देने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। जैक रियान के रूप में क्रिश पाइन है, केनरा नाइटली डॉक्टर कैथरीन कैथी मूलर के रूप में है, थॉमस हार्पर्स के रूप में केविन कॉस्टलर है, विक्टर चेरेविक के रूप में कैनेट ब्राउनसन है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रैन कुदवाजेवी की हैं, एलेक्जेंडर ब्रोकास्टो के रूप में एलेको टाउफ है, कात्या के रूप में एलिना वेलिका नोवा है, दिमित्री लेकमो के रूप में पीटर एंडरसन है, एनबी डिंग के रूप में नॉन्सो एनिजो है, रोब हैरिंगस के रूप में कोलम फोरे है, फोरे द सोमो फॉल फीचर्स के एक सहायक पात्र ऑलमंस के रूप में भी दिखाई दिए हैं, एमी चोंग के रूप में जेमा चोन है, डिक्चस लुइस के रूप में डेविन मेमस है, FBI लीडर एजेंट के रूप में करेन डेविड है, AFBI ऑपरेटिव के रूप में एरिक मेशेंस है, जॉन रॉबर्ट्स न्यूयॉर्क DWUP कार्यकर्ता के रूप में है, मिथाइल बेरिश्को आंतरिक मंत्री सर्गेई शिरोकिन के रूप में एक अज्ञात उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अपनी फिल्म द सम ऑफ ऑल फीचर्स की वित्तीय सफलता के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स के जैक रियान फिल्म श्रृंखला को जारी रखने का प्रयास किया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मैस नेफल के अनुसार बॉक्स ऑफिस फ्लो मेगली में शामिल होने के बाद बेन नेटफ्लिक्स को भविष्य की फिल्मों में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए काम पर नहीं रखा गया था, जिससे श्रृंखला रुक गई क्योंकि नम्रता निर्माता भूमिका को दोबारा मांगने में विफल रहे हैं। सन 2008 में कंपनी सैम रेमी में नियुक्त स्पाइडरमैन 4 के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया है। अक्टूबर सन 2009 में पैरामाउंट और सह फाइनेंसिस स्क्वाड्रन प्रोडक्शंस टॉम एल्कलेंसी के चित्र पर आधारित एक फिल्म में जैक रियान को चित्रित करने के लिए अभिनेता क्रिश पाइन के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी भी किताब पर नहीं। उस समय निर्माता मेस नेफल और लोरेंजो डी वोना वेल्डोरा हुशे नामनी द्वारा तैयार की गई एक मूल अवधारणा के साथ काम कर रहे थे, जिसके डेविड रेडी के बोना वेंटुरा के सह निर्माता के रूप में काम कर रहे थे। अगस्त सन 2010 में निर्देशक जैक बेंगटर फिल्म का निर्देशन करने की दौड़ में सबसे आगे थे, जो एडम कोजात की अस्थायी रूप से मॉस्को शीर्षक द्वारा स्क्रिप्ट पर आधारित थी। अगले महीने लेखक एंथनी लेखम को पुनर्लेखन करने के लिए लाया गया है और बाद में स्टीव जेलिशिम्स, जिन्होंने क्लियर ए प्रेजेंट डेंजर्स के लिए पटकथा लिखी थी, जो कि पुनर्लेखन करने के लिए लगाया गया था। हालांकि जिलेनियम ने कुछ हफ्तों के बाद नाम वापस ले लिया और पाइन के लिए स्क्रिप्ट टाउन एटून्स डॉक नेशन जेम टी के
किर्क की भूमिका को दोबारा निभाने के लिए पैरामाउंट द्वारा फिल्म को रोक दिया है। इस दौरान डेविड कोएब को स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए लाया गया है, लेकिन शूटिंग सन 2012 को दूसरी छमाई में शुरू होने वाली थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों। 2014 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लेखक टॉम कैलेंसी द्वारा बनाए गए चरित्र जैक रायन पर आधारित है। यह जैक रायन श्रृंखला की 5वीं फिल्म उसकी दूसरी रीबूट है और पूर्ववर्तियों के विपरीत एक किसी विशेष कैलेंसी उपन्यास का रूपांतरण नहीं है बल्कि एक मूल कहानी है। क्रिस पाइन मुख्य भूमिका में है और एलेन बोल्डविन, हैरिसन फोर्ड और बेन एफ्लेक के बाद रयान की भूमिका निभाने वाले चौथे अभिनेता बन गए हैं। फिल्म का निर्देशन कैनेथ ब्राउन ने किया है जिसमें केविन कोस्टनर और कायरा नाइटली भी है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं किनेथ ब्राउन। यह फिल्म लिखित है एडम कोसा डेविस कोएब पर। इस फिल्म की आधारिकता है टॉम कैलेंसी द्वारा निर्मित पात पर। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है मेस निफील्ड लेरेंजो डी बोनावेंटुरा डेविड बेरन मार्क वेराडियन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिश पाइन ने, केविन कॉस्टनर ने, किनेथ ब्राउन ने, कैरा नाइटली ने। इस फिल्म का छायाकार क्या है हैरिस जेम्बल्यूकोस ने। यह फिल्म संपादित है मार्टिन वॉलस द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है प्रेटिक डॉयल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडॉन्स बीटियास जी बोनावेंटुरा पिक्चर्स मैस निफिल प्रोडक्शंस। यह फिल्म वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 17 जनवरी 2014 है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस फिल्म का कार्यकारी समय 105 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 मिलियन रहा। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 135.5 मिलियन रहा है। मूल पटकथा एडम कोजेंट और डेविड कोएब द्वारा लिखित गई है। फिल्म का निर्माण मैस नेफेल लेरेंजो डी वेनाटुरा डेविड बेरोन और मार्क वेराडियन द्वारा किया गया था जिसमें डेविड एलिशन डाना गोल्डबर्ग पोल सुरके और टोमी हार्पर इस कार्य का निर्माता थे। फिल्म का श्लोक प्रेटिक डॉयल पर रचा गया था। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। इसमें 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा मिली है। यह करेंसी को समर्पित है जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर 2013 को हुई थी। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 11 सितंबर के हमलों के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला जैक रेयन अफगानिस्तान के सेवानिवृत्त एक अमेरिकी मेरीन अधिकारी बन जाता है जब तक कि उसने हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने पर अपने दो साथी नौसैनिकों को बचाते समय उसकी रीढ़ गंभीर रूप से घायल हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लंबे स्वास्थ्य लाभ के दौरान उसकी मुलाकात कैथी मूलर से होती है जो एक मेडिकल छात्र है जो उसे ठीक होने में मदद कर रहा है। बाद में एक अनुभवी CIA अधिकारी थॉमस हॉर्पर जैक की भर्ती करता है। 10 साल बाद रयान वॉल ऑफ स्ट्रीट पर CIA के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि का संकेत देता है। इसमें मूल रूप से बनाए गए लेन देन वित्तीय की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि को संकेत देता है जबकि मूलर अपनी अब उसकी मंगेतर है। जब रूस संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण वोट हार जाता है और बाजार उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देता और रयान को पता चलता है कि रूसी व्यापारिक हितों के बाद मौजूद अरबों डॉलर जिसमें से अधिकांश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी कुलीन विक्टर चेरेविन के हैं गायब हो गए हैं। रयान का नियोक्ता चेरेविन के व्यवसायों में से एक के साथ व्यापार करता है जब एक ऑडिटर के रूप में रयान को कुछ खाते अपनी पहुंच से बाहर लगते हैं तो वह इसी मास्को जाने की जांच करने के लिए एक वैन बहाने के रूप में उपयोग करता है। खुद को अंगरक्षक बताने वाले एक हत्यारे द्वारा उसकी जान लेने की कोशिश के बाल बाल बचने के बाद रयान CIA के संपर्क करता है और आश्चर्यचकित होता है कि उसका बैकअप और पर है। स्टाइसा स्क्वायर में अपनी चर्चा के दौरान रयान बताने कि कैसे चेरेविन के अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जाल संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आतंकवादी हमले के बाद पूर्ण वित्तीय पतन के लिए असुरक्षित बनता है। अगले दिन रयान की मुलाकात कात्या से होती है जो उसे चेरेविन के कार्यालय तक ले जाती है। उनकी बैठक में उन्हें बताया गया है कि समस्याग्रस्त कंपनी को उसकी सभी संपत्तियाँ भी अभी बेची गई हैं जिसमें ऑडिटर नहीं हो पा रहा है। इस बीच मुलर को संदेह होता है कि रयान का अफेयर चल रहा है और वह मास्को चला जाता है।
अविवाहित जोड़ों के लिए प्रोटोकॉल के विरुद्ध रियान ने उसे अपनी CIA नौकरी के बारे में बताया। स्थिति में सुधार करते हुए हार्पर ने मुलर को चेरिविन के कार्यालय में घुसमेट करने में मदद करने के लिए मना लिया है। रियान और मुलर कार्यालय के सामने वाली सड़क को पार कर एक महंगे रेस्तरां में चेरिविक से मिलते हैं। रियान, जिसके कथित तौर पर रात में खाने से पहले ही बहुत अधिक शराब पी ली थी, अभद्र व्यवहार करता है और मुलर उसे सुझाव देता है कि वह टहल ले। चेरिविन का एक्सेस कार्ड प्राप्त करने के बाद रियान चेरिविक के कार्यालय में प्रवेश करता है, जहाँ वह कंप्यूटर से महत्वपूर्ण फाइलें डाउनलोड करता है, जबकि मुलर चेरिविन के साथ विभिन्न विषयों में से एक ध्यान भटकती रहती है। वह ऐसे लक्षण देखती है जिससे पता चलता है कि उसे सिरोसिस है और उससे उसके बारे में पूछती है। चेरिविन ने कंप्यूटर का संदिग्ध गतिविधि का पता चला है और गार्ड मुस्पेट का पता लगाने के लिए इमारत में दौड़ पड़े हैं। काट्या चेरिविन को पाकर सतर्क हो जाती है, जो गुस्से में मुलर को अपने कार्यालय लौटने के लिए रेस्तरां से बाहर ले जाता है। सड़क पर उसकी मुलाकात रियान से होती है और अपने व्यवहार के प्रति माफ़ी मांगता है और मुलर के साथ चला जाता है। चेरिविन के आदमी CIA समूह के अड्डे पर पता लगाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं और मुलर का आक्रमण प्राप्त लेते हैं। क्रोधित होकर रियान उसका पीछा करता है और उसे बचाता है। रियान और CIA को पता चला है कि चेरिविन के वर्षों के संघर्ष कर चीनी और जापानी राज्य अर्थव्यवस्थाओं को गुप्त रूप से सराहा दिया है, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। साथ ही अपने बेटे एलेक्जेंडर को सिप्लेयर एजेंट के रूप में अमेरिकी रखने के लिए एक गलत मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। रियान पेटर्न पहचानने की अपनी प्रतिभा का उपकरण एक निर्धारित करने के लिए करता है और एलेक्जेंडर द्वारा स्ट्रीट पर एक आतंकवादी हमले को अंजाम देगा। न्यूयॉर्क से लौटकर वह एलेक्जेंडर द्वारा संचालित एक नकली पुलिस प्रतिक्रिया वाहन का पता लगाता है, उसे पकड़ लेता है और वाहन के अंदर एक बम का पता लगाता है। इसे शांत करने में असमर्थ वह वाहन का अपहरण कर लेता है और बाहर कूदते समय उसे पूर्वी नदी में गिरा देता है। बम विस्फोट हुआ है जिससे एलेक्जेंडर की मौत हो गई है। चेरिविन के साथी साजिशकर्ताओं ने अपने ट्रैक को छुपाने के लिए उसे मार डाला है। बाद में रियान, जो अब शादीशुदा है और हार्पर की राष्ट्रपति हो, उसके अगले कदम के बारे में जानकारी देने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। जैक रियान के रूप में क्रिश पाइन है, केनरा नाइटली डॉक्टर कैथरीन कैथी मूलर के रूप में है, थॉमस हार्पर्स के रूप में केविन कॉस्टलर है, विक्टर चेरिविन के रूप में कैनेट ब्राउनसर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रैन कुदवाजेविकी है, एलेक्जेंडर ब्रोकास्टो के रूप में एले कोटाव है, कात्या के रूप में एलिना वेलिका नोवा है, दिमित्री लेकमो के रूप में पीटर एंडरसन है, एनबी डिंग के रूप में नॉन्सो एनिजो है, रोब हैरिंगस के रूप में कोलम फोरे है, फोरे द सम ऑफ ऑल फीचर्स के एक सहपात्र ऑलमंस के रूप में भी दिखाई दिए हैं, एमी चोंग के रूप में जेमा चोन है, डिक्चस लुइस के रूप में डेविन मेमस है, FBI लीडर एजेंट के रूप में करेन डेविड है, AFBI ऑपरेटिव के रूप में एरी के मिशेंस है, जॉन रॉबर्ट्स न्यूयॉर्क DWUP कार्यकर्ता के रूप में है, मेथायरल बैरिश के आंतरिक मंत्री सर्गेई शिरोकिन के रूप में एक अज्ञात उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अपनी फिल्म द सम ऑफ ऑल फीचर्स की वित्तीय सफलता के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स के जैक रियान फिल्म श्रृंखला को जारी रखने का प्रयास किया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मैस नेफल के अनुसार बॉक्स ऑफिस फ्लो मेगली में शामिल होने के बाद बैन नेटफ्लिक्स को भविष्य की फिल्मों में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए काम पर नहीं रखा गया था, जिससे श्रृंखला रुक गई क्योंकि नम्रता निर्माता भूमिका को दोबारा मांगने में विफल रहे हैं। सन 2008 में कंपनी सैम रेमी में नियुक्त स्पाइडरमैन 4 के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया है। अक्टूबर सन 2009 में पैरामाउंट और सह फाइनेंसिस स्क्वाड्रन प्रोडक्शंस टॉम एल्केलेंसी के चित्र पर आधारित एक फिल्म में जैक रियान को चित्रित करने के लिए अभिनेता क्रिश पाइन के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी भी किताब पर नहीं। उस समय निर्माता मेस नेफल और लोरेंजो डी वोना वेल्डोरा हुशे नामनी द्वारा तैयार की गई एक मूल अवधारणा के साथ काम कर रहे थे, जिसके डेविड रेडी के बोना वेंटुरा के सह निर्माता के रूप में काम कर रहे थे। अगस्त सन 2010 में निर्देशक जैक बेंगटर फिल्म का निर्देशन करने की दौड़ में सबसे आगे थे, जो एडम कोजात की अस्थायी रूप से मॉस्को शीर्षक द्वारा स्क्रिप्ट पर आधारित थी। अगले महीने लेखक एंथनी लेखम को पुनर्लेखन करने के लिए लाया गया है और बाद में स्टीव जेलिशिम्स
जिन्होंने क्लियर ए प्रेजेंट डेंजर्स के लिए पटकथा लिखी थी जो कि पुनर्लेखन करने के लिए लगाया गया था। हालांकि जिलेनियम ने कुछ हफ्तों के बाद नाम वापस ले लिया और पाइन के लिए स्टेट टाउन एटून्स डार्क नेशन जेम टी के किर की भूमिका को दोबारा निभाने के लिए पैरामाउंट द्वारा फिल्म को रोक दिया है। इस दौरान डेविड कोएब को स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए लाया गया है, लेकिन शूटिंग सन 2012 को दूसरी छमाई में शुरू होने वाली थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों। 2014 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लेखक टॉम कैलेंसी द्वारा बनाए गए चरित्र जैक रायन पर आधारित है। यह जैक रायन श्रृंखला की पांचवी फिल्म उसकी दूसरी रिबूट है और पूर्ववर्तियों के विपरीत एक किसी विशेष कैलेंसी उपन्यास का रूपांतरण नहीं है बल्कि एक मूल कहानी है। क्रिस पाइन मुख्य भूमिका में है और एलेन बोल्डविन हैरिसन फोर्ड और बेन एफ्लेक के बाद रायन की भूमिका निभाने वाले चौथे अभिनेता बन गए हैं। फिल्म का निर्देशन केनेथ ब्राउन ने किया है जिसमें केविन कोस्टनर और कायरा नाइटली भी है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं किनेथ ब्राउन। यह फिल्म लिखित है एडम कोजा डेविस कोएब पर। इस फिल्म की आधारिकता है टॉम कैलेंसी द्वारा निर्मित पात पर। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है मेस निफील्ड लेरेंजो डी बोनावेंटुरा डेविड बेरन मार्क वेराडियन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिश पाइन ने, केविन कॉस्टनर ने, किनेथ ब्राउन ने, कैरा नाइटली ने। इस फिल्म का छायाकार क्या है हैरिस जेम्बल्यूकोस ने। यह फिल्म संपादित है मार्टिन वॉलस द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है प्रेटिक डॉयल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडॉन्स बीटियास ड्रीप नो वेंटुरा पिक्चर्स मैस निफील्ड प्रोडक्शंस। यह फिल्म वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 17 जनवरी 2014 है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस फिल्म का कार्यकारी समय 105 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 मिलियन रहा और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 135.5 मिलियन रहा है। मूल पटकथा एडम कोजेल और डेविड कोएब द्वारा लिखित गई है। फिल्म का निर्माण मैस नेफेल लेरेंजो डी वेनाटुरा डेविड बेरोन और मार्क वेराडियन द्वारा किया गया था जिसमें डेविड एलिशन डाना गोल्डबर्ग पोल श्रके और टोमी हार्पर इस कार्य का निर्माता थे। फिल्म का श्रोक प्रेटिक डॉयल पर रचा गया था। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। इसमें 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा मिली है। यह करेंसी को समर्पित है जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर 2013 को हुई थी। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 11 सितंबर के हमलों के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला जैक रायन अफगानिस्तान के सेवानिवृत्त एक अमेरिकी मैरीन अधिकारी बन जाता है जब तक कि उसने हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने पर अपने दो साथी नौसैनिकों को बचाते समय उसकी रीढ़ गंभीर रूप से घायल हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लंबे स्वास्थ्य लाभ के दौरान उसकी मुलाकात कैथी मूलर से होती है जो एक मेडिकल छात्र है जो उसे ठीक होने में मदद कर रहा है। बाद में एक अनुभवी CIA अधिकारी थॉमस हॉर पर जैक की भर्ती करता है। 10 साल बाद रायन वॉल ऑफ स्ट्रीट पर CIA के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि का संकेत देता है। इसमें मूल रूप से बनाए गए लेन देन वित्तीय की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि को संकेत देता है जबकि मूलर अपनी अब उसकी मंगेतर है। जब रूस संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण वोट हार जाता है और बाजार उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देता और रायन को पता चलता है कि रूसी व्यापारिक हितों के बाद मौजूद अरबों डॉलर जिसमें से अधिकांश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी कुलीन विक्टर चेरेविन के हैं गायब हो गए हैं। रायन का नियोक्ता चेरेविन के व्यवसायों में से एक के साथ व्यापार करता है जब एक ऑडिटर के रूप में रायन को कुछ खाते अपनी पहुंच से बाहर लगते हैं तो वह इसी मास्को जाने की जांच करने के लिए एक वैन बहाने के रूप में उपयोग करता है। खुद को अंगरक्षक बताने वाले एक हत्यारे द्वारा उसकी जान लेने की कोशिश के बाल बाल बचने के बाद रायन CIA के संपर्क करता है और आश्चर्यचकित होता है कि उसका बैकअप और पर है। स्टाइसा स्क्वायर में अपनी चर्चा के दौरान रायन बताने की कैसे चेरेविन के अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जाल संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आतंकवादी हमले के बाद पूर्ण वित्तीय पतन के लिए असुरक्षित बनता है। अगले दिन
रयान की मुलाकात कात्या से होती है जो उसे चेरविन के कार्यालय तक ले जाती है। उनकी बैठक में उन्हें बताया गया है कि समस्याग्रस्त कंपनी को उसकी सभी संपत्तियां भी अभी बेची गई हैं जिसमें ऑडिटर नहीं हो पा रहा है। इस बीच मुलर को संदेह होता है कि रयान का अफेयर चल रहा है, वह मास्को चला जाता है। अविवाहित जोड़ों के लिए प्रोटोकॉल के विरुद्ध रयान ने उसे अपनी CIA नौकरी के बारे में बताया। स्थिति में सुधार करते हुए हार्पर ने मुलर को चेरविन के कार्यालय में घुसमेट करने में मदद करने के लिए मना लिया है। रयान और मुलर कार्यालय के सामने वाली सड़क को पार कर एक महंगे रेस्तरां में चेरविन से मिलते हैं। रयान जिसके कथित तौर पर रात में खाने से पहले ही बहुत अधिक शराब पी ली थी, एब्रक व्यवहार करता है और मुलर उसे सुझाव देता है कि वह टहल ले। चेरविन का एक्सिस कार्ड प्राप्त करने के बाद रयान चेरविन के कार्यालय में प्रवेश करता है जहाँ वह कंप्यूटर से महत्वपूर्ण फाइलें डाउनलोड करता है, जबकि मुलर चेरविन के साथ विभिन्न विषयों में से एक ध्यान भटकती रहती है। वह ऐसे लक्षण देखती है जिससे पता चलता है कि उसे शिरोसिस है और उससे उसके बारे में पूछती है। चेरविन ने कंप्यूटर का संदिग्ध गतिविधि का पता चला है और गार्ड मुस्पेट का पता लगाने के लिए इमारत में दौड़ पड़े हैं। काट्या चेरविन को पाकर सतर्क हो जाती है जो गुस्से में मुलर को अपने कार्यालय लौटने के लिए रेस्तरां से बाहर ले जाता है। सड़क पर उसकी मुलाकात रयान से होती है और अपने व्यवहार के प्रति माफ़ी मांगता है और मुलर के साथ चला जाता है। चेरविन के आदमी CIA समूह के अड्डे पर पता लगाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं और मुलर का आक्रमण प्राप्त लेते हैं। क्रोधित होकर रयान उसका पीछा करता है और उसे बचाता है। रयान और CIA को पता चला है कि चेरविन के वर्षों के संघर्ष कर चीनी और जापानी राज्य अर्थव्यवस्थाओं को गुप्त रूप से सराहा दिया है, जिसमें MD की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। साथ ही अपने बेटे एलेक्जेंडर को सिप्लियर एजेंट के रूप में अमरीकी रखने के लिए एक गलत मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। रयान पेटर्न पहचानने की अपनी प्रतिभा का उपकरण एक निर्धारित करने के लिए करता है और एक्लेजेंडर द्वारा स्ट्रीट पर एक आतंकवादी हमले को अंजाम देगा। न्यूयॉर्क से लौटकर वह एक्लेजेंडर द्वारा संचालित एक नकली पुलिस प्रतिक्रिया वाहन का पता लगाता है, उसे पकड़ लेता है और वाहन के अंदर एक बम का पता लगाता है। इसे शांत करने में असमर्थ वह वाहन का अपहरण कर लेता है और बाहर कूदते समय उसे पूर्वी नदी में गिरा देता है। बम विस्फोट हुआ है जिससे एक्लेजेंडर की मौत हो गई है। चेरविन के साथी साजिशकर्ताओं ने अपने ट्रैक को छुपाने के लिए उसे मार डाला है। बाद में रयान जो अब शादीशुदा है और हार्पर की राष्ट्रपति हो उसके अगले कदम के बारे में जानकारी देने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। जैक रयान के रूप में क्रिश पाइन है, केनरा नाइटली डॉक्टर कैथरीन कैथी मुलर के रूप में है, थॉमस हार्पर्स के रूप में केविन कॉस्टलर है, विक्टर चेरविन के रूप में कैनेट ब्राउनसर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रैन कुदवाजेविकी है, एलेक्जेंडर ब्रोकास्टो के रूप में एले कोटाफ है, कात्या के रूप में एलिना वेलिकानोवा है, दिमित्री लेकमो के रूप में पीटर एंडरसन्स है, एनबी डिंग के रूप में नॉन्सो एनिजो है, रोब हैरिंगस के रूप में कोलम फोरे है, फोरे द सोमो फॉल फीचर्स के एक सहायक पात्र ऑलमंस के रूप में भी दिखाई दिए हैं, एमी चोंग के रूप में जेमा चोन है, डिक्चस लुइस के रूप में डेविन मेमस है, FBI लीडर एजेंट के रूप में करेन डेविड है, AFBI ऑपरेटिव के रूप में एरी के मेशेंस है, जॉन रॉबर्ट्स न्यूयॉर्क DWUP कार्यकर्ता के रूप में है, मिथाइल बेरिस्टो आंतरिक मंत्री सर्गेई शिरोकिन के रूप में एक अज्ञात उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अपनी फिल्म द सम ऑफ ऑल फीचर्स की वित्तीय सफलता के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स के जैक रयान फिल्म श्रृंखला को जारी रखने का प्रयास किया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मैस नेफल के अनुसार बॉक्स ऑफिस फ्लो मिगली में शामिल होने के बाद बेन नेटफ्लिक्स को भविष्य की फिल्मों में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए काम पर नहीं रखा गया था, जिससे श्रृंखला रुक गई क्योंकि नम्रता निर्माता भूमिका को दोबारा मांगने में विफल रहे हैं। सन 2008 में कंपनी शैम रायमिली में नियुक्त स्पाइडरमैन 4 के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया है। अक्टूबर सन 2009 में पैरामाउंट और सह फाइनेंसिस स्क्वाडन प्रोडक्शंस टॉम एल्केलेंसी के चित्र पर आधारित एक फिल्म में जैक रयान को चित्रित करने के लिए अभिनेता क्रिश पाइन के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी भी किताब पर नहीं। उस समय निर्माता मेस नेफल और लोरेंजो डी वोना वल्टुरा हुशे नामली द्वारा तैयार की गई एक मूल अवधारणा के साथ काम कर रहे थे, जिसके डेविड रेडी के बोना वेंटुरा के सह निर्माता के रूप में काम कर रहे थे। अगस्त सन 2010 में निर्देशक जैक बेंटर फिल्म का निर्देशन
करने की दौड़ में सबसे आगे थे, जो एडम कोजात की अस्थायी रूप से मॉस्को शीर्षक द्वारा स्क्रिप्ट पर आधारित थी। अगले महीने लेखक एंथनी लेखम को पुनर्लेखन करने के लिए लाया गया है और बाद में स्टीव जेलिशिम्स, जिन्होंने क्लियर ए प्रेजेंट डेंजर्स के लिए पटकथा लिखी थी, जो कि पुनर्लेखन करने के लिए लगाया गया था। हालांकि जिलेनियम ने कुछ हफ्तों के बाद नाम वापस ले लिया और पाइन के लिए स्ट्रेट टाउन एटून्स डॉक नेशन जेम टी की किर्क की भूमिका को दोबारा निभाने के लिए पैरामाउंट द्वारा फिल्म को रोक दिया है। इस दौरान डेविड कोएब को स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए लाया गया है, लेकिन शूटिंग सन 2012 को दूसरी छमाई में शुरू होने वाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों। 2014 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लेखक टॉम कैलेंसी द्वारा बनाए गए चरित्र जैक रायन पर आधारित है। यह जैक रायन श्रृंखला की पांचवी फिल्म, उसकी दूसरी रीबूट है और पूर्ववर्तियों के विपरीत एक किसी विशेष कैलेंसी उपन्यास का रूपांतरण नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। क्रिस पाइन मुख्य भूमिका में है और एलेन बोल्डविन, हैरिसन फोर्ड और बेन एफ्लेक के बाद रायन की भूमिका निभाने वाले चौथे अभिनेता बन गए हैं। फिल्म का निर्देशन केनेथ ब्राउन ने किया है, जिसमें केविन कोस्टनर और कायरा नाइटली भी है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं केनेथ ब्राउन। यह फिल्म लिखित है एडम कोजा डेविस कोएब पेपर। इस फिल्म की आधारिकता है टॉम कैलेंसी द्वारा निर्मित पात पर। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है मेस निफील्ड, लेरेंजो डी बोनावेंटुरा, डेविड बेरन, मार्क वेराडियर ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिश पाइन ने, केविन कॉस्टनर ने, केनेथ ब्राउन ने, कैरा नाइटली ने। इस फिल्म का छायाकान क्या है हैरिस जेम्बाल्यूकोस ने। यह फिल्म संपादित है मार्टिन वॉलस द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है प्रेटिक डॉयल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडॉन्स, बीटियास, ड्रीप नो वेंटुरा पिक्चर्स, मैज निफिल्ड प्रोडक्शंस। यह फिल्म वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 17 जनवरी 2014 है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस फिल्म का कार्यकारी समय 105 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 मिलियन रहा। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 135.5 मिलियन रहा है। मूल पटकथा एडम कोजेल्ट और डेविड कोएब द्वारा लिखित गई है। फिल्म का निर्माण मैस नेफेल, लेरेंजो डी वेनाटुरा, डेविड बेरोन और मार्क वेराडियन द्वारा किया गया था, जिसमें डेविड एलिशन, डाना गोल्डबर्ग, पोल श्रके और टोमी हार्पर्स कार्य का निर्माता थे। फिल्म का श्रोक प्रेटिक डॉयल पर रचा गया था। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। इसमें 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा मिली है। यह करेंसी को समर्पित है, जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर 2013 को हुई थी। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 11 सितंबर के हमलों के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला जैक रायन अफगानिस्तान के सेवानिवृत्त एक अमेरिकी मैरीन अधिकारी बन जाता है, जब तक कि उसने हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने पर अपने दो साथी नौसैनिकों को बचाते समय उसकी रीढ़ गंभीर रूप से घायल हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लंबे स्वास्थ्य लाभ के दौरान उसकी मुलाकात कैथी मूलर से होती है, जो एक मेडिकल छात्र है जो उसे ठीक होने में मदद कर रहा है। बाद में एक अनुभवी CIA अधिकारी थॉमस हॉर्पर जैक की भर्ती करता है। 10 साल बाद रायन वॉल ऑफ स्ट्रीट पर CIA के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है, जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की तलाश कर रहा है, जो आतंकवादी गतिविधि का संकेत देता है। इसमें मूल रूप से बनाए गए लेनदेन वित्तीय की तलाश कर रहा है, जो आतंकवादी गतिविधि को संकेत देता है, जबकि मूलर अपनी अब उसकी मंगेतर है। जब रूस संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण वोट हार जाता है और बाजार उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देता, और रायन को पता चलता है कि रूसी व्यापारिक हितों के बाद मौजूद अरबों डॉलर, जिसमें से अधिकांश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी कुलीन विक्टर चेरेविन के हैं, गायब हो गए हैं। रायन का नियोक्ता चेरेविन के व्यवसायों में से एक के साथ व्यापार करता है, जब एक ऑडिटर के रूप में रायन को कुछ खाते अपनी पहुंच से बाहर लगते हैं, तो वह इसी मॉस्को जाने की जांच करने के लिए एक वैन बहाने के रूप में उपयोग करता है। खुद को अंगरक्षक बताने वाले एक हत्यारे द्वारा उसकी जान लेने की कोशिश के बाल बाल बचने के बाद रायन CIA के संपर्क करता है और आश्चर्यचकित होता है कि उसका बैकअप और पर है। स्टाइसा स्क्वायर में अपनी चर्चा के दौरान रायन बताने की
कि कैसे चेरेविन के अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जाल संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आतंकवादी हमले के बाद पूर्ण वित्तीय पतन के लिए असुरक्षित बनता है। अगले दिन रयान की मुलाकात कात्या से होती है जो उसे चेरेविन के कार्यालय तक ले जाती है। उनकी बैठक में उन्हें बताया गया है कि समस्याग्रस्त कंपनी को उसकी सभी संपत्तियां भी अभी बेची गई हैं जिसमें ऑडिटर नहीं हो पा रहा है। इस बीच मुलर को संदेह होता है कि रयान का अफेयर चल रहा है, वह मास्को चला जाता है। अविवाहित जोड़ों के लिए प्रोटोकॉल के विरुद्ध रयान ने उसे अपनी CIA नौकरी के बारे में बताया। स्थिति में सुधार करते हुए हार्पर ने मुलर को चेरेविन के कार्यालय में घुसमेट करने में मदद करने के लिए मना लिया है। रयान और मुलर कार्यालय के सामने वाली सड़क को पार कर एक महंगे रेस्तरां में चेरेविन से मिलते हैं। रयान, जिसके कथित तौर पर रात में खाने से पहले ही बहुत अधिक शराब पी ली थी, अभद्र व्यवहार करता है और मुलर उसे सुझाव देता है कि वह टहल ले। चेरेविन का एक्सिस कार्ड प्राप्त करने के बाद रयान चेरेविन के कार्यालय में प्रवेश करता है जहाँ वह कंप्यूटर से महत्वपूर्ण फाइलें डाउनलोड करता है, जबकि मुलर चेरेविन के साथ विभिन्न विषयों में से एक ध्यान भटकती रहती है। वह ऐसे लक्षण देखती है जिससे पता चलता है कि उसे शिरोसिस है और उससे उसके बारे में पूछती है। चेरेविन ने कंप्यूटर का संदिग्ध गतिविधि का पता चला है और गार्ड मुस्पेट का पता लगाने के लिए इमारत में दौड़ पड़े हैं। कात्या चेरेविन को पाकर सतर्क हो जाती है जो गुस्से में मुलर को अपने कार्यालय लौटने के लिए रेस्तरां से बाहर ले जाता है। सड़क पर उसकी मुलाकात रयान से होती है और अपने व्यवहार के प्रति माफ़ी मांगता है और मुलर के साथ चला जाता है। चेरेविन के आदमी CIA समूह के अड्डे पर पता लगाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं और मुलर का आक्रमण प्राप्त लेते हैं। क्रोधित होकर रयान उसका पीछा करता है, उसे बचाता है। रयान और CIA को पता चला है कि चेरेविन के वर्षों के संघर्ष के चीनी और जापानी राज्य अर्थव्यवस्थाओं को गुप्त रूप से सराहा दिया है, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। साथ ही अपने बेटे एलेक्जेंडर को सिप्लेयर एजेंट के रूप में अमेरिकी रखने के लिए एक गलत मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। रयान पेटर्न पहचानने की अपनी प्रतिभा का उपकरण एक निर्धारित करने के लिए करता है और एलेक्जेंडर द्वारा स्ट्रीट पर एक आतंकवादी हमले को अंजाम देगा। न्यूयॉर्क से लौटकर वह एलेक्जेंडर द्वारा संचालित एक नकली पुलिस प्रतिक्रिया वाहन का पता लगाता है, उसे पकड़ लेता है और वाहन के अंदर एक बम का पता लगाता है। इसे शांत करने में असमर्थ वह वाहन का अपहरण कर लेता है और बाहर कूदते समय उसे पूर्वी नदी में गिरा देता है। बम विस्फोट हुआ है जिससे एलेक्जेंडर की मौत हो गई है। चेरेविन के साथी साजिशकर्ताओं ने अपने ट्रैक को छुपाने के लिए उसे मार डाला है। बाद में रयान, जो अब शादीशुदा है और हार्पर की राष्ट्रपति हो, उसके अगले कदम के बारे में जानकारी देने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। जैक रयान के रूप में क्रिश पाइन है, केनरा नाइटली डॉक्टर कैथरीन कैथी मुलर के रूप में है, थॉमस हार्पर्स के रूप में केविन कॉस्टलर है, विक्टर चेरेविन के रूप में कैनेट ब्राउनसर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रैन कुदवाजेवी की हैं, एलेक्जेंडर ब्रोकास्टो के रूप में एले कोटाउफ है, कात्या के रूप में एलिना वेलिकानोवा है, दिमित्री लेकमोव के रूप में पीटर एंडरसन्स है, एनबी डिंग के रूप में नॉन्सो एनिजो है, रोब हैरिंगल्स के रूप में कोलम फोरे है, फोरे द सोमो फॉल फीचर्स के एक सहायक ऑलमंस के रूप में भी दिखाई दिए हैं, एमी चोंग के रूप में जेमा चोन है, डिक्चस लुइस के रूप में डेविन मेमस है, FBI लीडर एजेंट के रूप में करेन डेविड है, AFBI ऑपरेटिव के रूप में एरी के मेशेंस है, जॉन रॉबर्ट्स न्यूयॉर्क DWUP कार्यकर्ता के रूप में है, मिथाइल बेरिश के आंतरिक मंत्री सर्गेई शिरोकिन के रूप में एक अज्ञात उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अपनी फिल्म द सम ऑफ ऑल फीचर्स की वित्तीय सफलता के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स के जैक रयान फिल्म श्रृंखला को जारी रखने का प्रयास किया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मैस नेफल के अनुसार बॉक्स ऑफिस फ्लो मेगली में शामिल होने के बाद बेन नेटफ्लिक्स को भविष्य की फिल्मों में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए काम पर नहीं रखा गया था, जिससे श्रृंखला रुक गई क्योंकि नम्रता निर्माता भूमिका को दोबारा मांगने में विफल रहे हैं। सन 2008 में कंपनी सैम रेमी में नियुक्त स्पाइडरमैन 4 के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया है। अक्टूबर सन 2009 में पैरामाउंट और सह फाइनेंसिस स्क्वाड्रन प्रोडक्शंस टॉम एल्केलेंसी के चित्र पर आधारित एक फिल्म में जैक रयान को चित्रित करने के लिए अभिनेता क्रिश पाइन के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी भी किताब पर नहीं। उस समय निर्माता मेस नेफल और लोरेंजो डी
वोना वेल्डुरा हुशे नामनी द्वारा तैयार किए गए एक मूल अवधारणा के साथ काम कर रहे थे, जिसके डेविड रेडी के बोना वेंटुरा के सह निर्माता के रूप में काम कर रहे थे। अगस्त सन 2010 में निर्देशक जेक बेंगटर फिल्म का निर्देशन करने की दौड़ में सबसे आगे थे, जो एडम कोजात की अस्थायी रूप से मॉस्को शीर्षक द्वारा स्क्रिप्ट पर आधारित थी। अगले महीने लेखक एंथनी लेखम को पुनर्लेखन करने के लिए लाया गया है और बाद में स्टीव जेलिशिम्स, जिन्होंने क्लियर ए प्रेजेंट डेंजर्स के लिए पटकथा लिखी थी, जो कि पुनर्लेखन करने के लिए लगाया गया था। हालांकि जिलेनियम ने कुछ हफ्तों के बाद नाम वापस ले लिया और पाइन के लिए स्क्रेट टाउन एटून्स डॉक नेशन जेम टी की किर्क की भूमिका को दोबारा निभाने के लिए पैरामाउंट द्वारा फिल्म को रोक दिया है। इस दौरान डेविड कोएब को स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए लाया गया है, लेकिन शूटिंग सन 2012 को दूसरी छमाई में शुरू होने वाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों। 2014 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लेखक टॉम कैलेंसी द्वारा बनाए गए चरित्र जैक रायन पर आधारित है। यह जैक रायन श्रृंखला की पांचवी फिल्म उसकी दूसरी रीबूट है और पूर्ववर्तियों के विपरीत एक किसी विशेष कैलेंसी उपन्यास का रूपांतरण नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। क्रिस पाइन मुख्य भूमिका में है और एलेन बोल्डविन, हैरिसन फोर्ड और बेन एफ्लेक के बाद रायन की भूमिका निभाने वाले चौथे अभिनेता बन गए हैं। फिल्म का निर्देशन कैनेथ ब्राउन ने किया है, जिसमें केविन कोस्टनर और कायरा नाइटली भी है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं किनेथ ब्राउन। यह फिल्म लिखित है एडम कोजा डेविस कोएब पर। इस फिल्म की आधारिकता है टॉम कैलेंसी द्वारा निर्मित पात पर। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है मेज निफील्ड, लेरेंजो डी बोनावेंटुरा, डेविड बेरन, मार्क वेराडियन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिश पाइन ने, केविन कॉस्टनर ने, किनेथ ब्राउन ने, कैरा नाइटली ने। इस फिल्म का छायाकार क्या है हैरिस जेम्बल्यूकोस ने। यह फिल्म संपादित है मार्टिन वॉलस द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है प्रेटिक डॉयल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडॉन्स, बीटियास, डी बोनावेंटुरा पिक्चर्स, मैज निफील प्रोडक्शंस। यह फिल्म वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 17 जनवरी 2014 है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस फिल्म का कार्यकारी समय 105 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 मिलियन रहा। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 135.5 मिलियन रहा है। मूल पटकथा एडम कोजेंट और डेविड कोएब द्वारा लिखित गई है। फिल्म का निर्माण मैस नेफेल, लेरेंजो डी वेनाटुरा, डेविड बेरोन और मार्क वेराडियन द्वारा किया गया था, जिसमें डेविड एलिशन, डाना गोल्डबर्ग, पोल सुरके और टोमी हार्पर इस कार्य का निर्माता थे। फिल्म का श्रोक प्रेटिक डॉयल पर रचा गया था। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। इसमें 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा मिली है। यह करेंसी को समर्पित है, जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर 2013 को हुई थी। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 11 सितंबर के हमलों के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला जेक रेयन अफगानिस्तान के सेवानिवृत्त एक अमेरिकी मेरीन अधिकारी बन जाता है, जब तक कि उसने हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने पर अपने दो साथी नौसैनिकों को बचाते समय उसकी रीढ़ गंभीर रूप से घायल हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लंबे स्वास्थ्य लाभ के दौरान उसकी मुलाकात कैथी मूलर से होती है, जो एक मेडिकल छात्र है जो उसे ठीक होने में मदद कर रहा है। बाद में एक अनुभवी CIA अधिकारी थॉमस और पर जेक की भर्ती करता है। 10 साल बाद रेयन वॉल ऑफ स्ट्रीट पर CIA के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है, जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की तलाश कर रहा है, जो आतंकवादी गतिविधि का संकेत देता है। इसमें मूल रूप से बनाए गए लेनदेन वित्तीय की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि को संकेत देता है, जबकि मूलर अपनी अब उसकी मंगेतर है। जब रूस संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण वोट हार जाता है और बाजार उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देता, और रेयन को पता चलता है कि रूसी व्यापारिक हितों के बाद मौजूद अरबों डॉलर, जिसमें से अधिकांश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी कुलीन विक्टर चेरेविन के हैं, गायब हो गए हैं। रेयन का नियोक्ता चेरेविन के व्यवसायों में से एक के साथ व्यापार करता है, जब एक ऑडिटर के रूप में रेयन को कुछ खाते अपनी पहुंच से बाहर लगते हैं, तो वह इसे मॉस्को जाने की जांच करने के लिए एक वैन बहाने के रूप में उपयोग करता है।
खुद को अंगरक्षक बताने वाले एक हत्यारे द्वारा उसकी जान लेने की कोशिश के बाल बाल बचने के बाद रयान CIA के संपर्क करता है और आश्चर्यचकित होता है कि उसका बैकअप और पर है। स्टाइसा स्क्वायर में अपनी चर्चा के दौरान रयान बताने कि कैसे चेरिविन के अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जाल संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आतंकवादी हमले के बाद पूर्ण वित्तीय पतन के लिए असुरक्षित बनता है। अगले दिन रयान की मुलाकात कात्या से होती है जो उसे चेरिविन के कार्यालय तक ले जाती है। उनकी बैठक में उन्हें बताया गया है कि समस्याग्रस्त कंपनी को उसकी सभी संपत्तियां भी अभी बेची गई हैं जिसमें ऑडिटर नहीं हो पा रहा है। इस बीच मुलर को संदेह होता है कि रयान का अफेयर चल रहा है, वह मास्को चला जाता है। अविवाहित जोड़ों के लिए प्रोटोकॉल के विरुद्ध रयान ने उसे अपनी CIA नौकरी के बारे में बताया। स्थिति में सुधार करते हुए हार्पर ने मुलर को चेरिविन के कार्यालय में घुसमेट करने में मदद करने के लिए मना लिया है। रयान और मुलर कार्यालय के सामने वाली सड़क को पार कर एक महंगे रेस्तरां में चेरिविन से मिलते हैं। रयान जिसके कथित तौर पर रात में खाने से पहले ही बहुत अधिक शराब पी ली थी, अभद्र व्यवहार करता है और मुलर उसे सुझाव देता है कि वह टहल ले। चेरिविन का एक्सेस कार्ड प्राप्त करने के बाद रयान चेरिविन के कार्यालय में प्रवेश करता है जहाँ वह कंप्यूटर से महत्वपूर्ण फाइलें डाउनलोड करता है, जबकि मुलर चेरिविन के साथ विभिन्न विषयों में से एक ध्यान भटकती रहती है। वह ऐसे लक्षण देखती है जिससे पता चलता है कि उसे सिरोसिस है और उससे उसके बारे में पूछती है। चेरिविन ने कंप्यूटर का संदिग्ध गतिविधि का पता चला है और गार्ड मुस्पेट का पता लगाने के लिए इमारत में दौड़ पड़े हैं। कात्या चेरिविन को पाकर सतर्क हो जाती है जो गुस्से में मुलर को अपने कार्यालय लौटने के लिए रेस्तरां से बाहर ले जाता है। सड़क पर उसकी मुलाकात रयान से होती है और अपने व्यवहार के प्रति माफ़ी मांगता है और मुलर के साथ चला जाता है। चेरिविन के आदमी CIA समूह के अड्डे पर पता लगाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं और मुलर का आक्रमण प्राप्त लेते हैं। क्रोधित होकर रयान उसका पीछा करता है और उसे बचाता है। रयान और CIA को पता चला है कि चेरिविन के वर्षों के संघर्ष कर चीनी और जापानी राज्य अर्थव्यवस्थाओं को गुप्त रूप से सराहा दिया है, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। साथ ही अपने बेटे एलेक्जेंडर को सिप्लेयर एजेंट के रूप में अमेरिकी रखने के लिए एक गलत मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। रयान पेटर्न पहचानने की अपनी प्रतिभा का उपकरण एक निर्धारित करने के लिए करता है और एक्लेजेंडर द्वारा स्ट्रीट पर एक आतंकवादी हमले को अंजाम देगा। न्यूयॉर्क से लौटकर वह एक्लेजेंडर द्वारा संचालित एक नकली पुलिस प्रतिक्रिया वाहन का पता लगाता है, उसे पकड़ लेता है और वाहन के अंदर एक बम का पता लगाता है। इसे शांत करने में असमर्थ वह वाहन का अपहरण कर लेता है और बाहर कूदते समय उसे पूर्वी नदी में गिरा देता है। बम विस्फोट हुआ है जिससे एक्लेजेंडर की मौत हो गई है। चेरिविन के साथी साजिशकर्ताओं ने अपने ट्रैक को छुपाने के लिए उसे मार डाला है। बाद में रयान जो अब शादीशुदा है और हार्पर की राष्ट्रपति हो उसके अगले कदम के बारे में जानकारी देने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। जैक रयान के रूप में क्रिश पाइन है, केनरा नाइटली डॉक्टर कैथरीन कैथी मूलर के रूप में है, थॉमस हार्पर्स के रूप में केविन कॉस्टलर है, विक्टर चेरिविन के रूप में कैनेट ब्राउनसर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रैन कुदवाजेविकी हैं, एलेक्जेंडर्स ब्रोकास्टो के रूप में एले कोटाव है, कात्या के रूप में एलिना वेलिका नोवा है, दिमित्री लेकमो के रूप में पीटर एंडरसन है, एनबी डिंग के रूप में नॉन्सो एनिजो है, रोब हैरिंगस के रूप में कोलम फोरे है, फोरे द सम ऑफ ऑल फीचर्स के एक सहपात्र ऑलमंस के रूप में भी दिखाई दिए हैं, एमी चोंग के रूप में जेमा चोन है, डिक्चस लुइस के रूप में डेविन मेमस है, FBI लीडर एजेंट के रूप में करेन डेविड हैं, AFBI ऑपरेटिव के रूप में एरी के मेशेंस हैं, जॉन रॉबर्ट्स न्यूयॉर्क DWUP कार्यकर्ता के रूप में है, मिथाइल बेरिस्टियो आंतरिक मंत्री सर्गेई शिरोकिन के रूप में एक अज्ञात उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अपनी फिल्म का सम ऑफ ऑल फीचर्स की वित्तीय सफलता के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स की जैक रयान फिल्म श्रृंखला को जारी रखने का प्रयास किया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मैस नेफल्ड के अनुसार बॉक्स ऑफिस फ्लो मेगली में शामिल होने के बाद बैन नेटफ्लिक्स को भविष्य की फिल्मों में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए काम पर नहीं रखा गया था, जिससे श्रृंखला रुक गई क्योंकि नम्रता निर्माता भूमिका को दोबारा मांगने में विफल रहे हैं। सन 2008 में कंपनी शैम रायमिली में नियुक्त स्पाइडरमैन 4 के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया है। अक्टूबर सन 2009 में पैरामाउंट
और सह फाइनेंसिस स्कॉयडॉन प्रोडक्शंस टॉम एल्केलेंसी के चित्र पर आधारित एक फिल्म में जैक रेयन को चित्रित करने के लिए अभिनेता क्रिश पाइन के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी भी किताब पर नहीं। उस समय निर्माता मेस नेफल और लोरेंजो डी वोना वेल्डोरा हुशे नामनी द्वारा तैयार की गई एक मूल अवधारणा के साथ काम कर रहे थे, जिसके डेविड रेडी के बोना वेंटुरा के सह निर्माता के रूप में काम कर रहे थे। अगस्त सन 2010 में निर्देशक जैक बैंगटर फिल्म का निर्देशन करने की दौड़ में सबसे आगे थे, जो एडम कोजात की अस्थायी रूप से मॉस्को शीर्षक द्वारा स्क्रिप्ट पर आधारित थी। अगले महीने लेखक एंथनी लेखम को पुनर्लेखन करने के लिए लाया गया है, और बाद में स्टीव जेलिशियंस जिन्होंने क्लियर ए प्रेजेंट डेंजर्स के लिए पटकथा लिखी थी, जो कि पुनर्लेखन करने के लिए लगाया गया था। हालांकि जिलेनियम ने कुछ हफ्तों के बाद नाम वापस ले लिया और पाइन के लिए स्ट्रेट टाउन एटून्स डॉक नेशंस जेम टी की किर्क की भूमिका को दोबारा निभाने के लिए पैरामाउंट द्वारा फिल्म को रोक दिया है। इस दौरान डेविड कोएब को स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए लाया गया है, लेकिन शूटिंग सन 2012 को दूसरी छमाई में शुरू होने वाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों। 2014 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लेखक टॉम केलेंसी द्वारा बनाए गए चरित्र जैक रेयन पर आधारित है। यह जैक रेयन श्रृंखला की पांचवी फिल्म उसकी दूसरी रिबूट है और पूर्ववर्तियों के विपरीत एक किसी विशेष केलेंसी उपन्यास का रूपांतरण नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। क्रिस पाइन मुख्य भूमिका में है और एलेन बोल्डविन, हैरिसन फोर्ड और बेन एफ्लेक के बाद रेयन की भूमिका निभाने वाले चौथे अभिनेता बन गए हैं। फिल्म का निर्देशन केनेथ ब्राउन ने किया है, जिसमें केविन कोस्टनर और कायरा नाइटली भी है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं किनेथ ब्राउन। यह फिल्म लिखित है एडम कोजा डेविस कोएब पर। इस फिल्म की आधारिकता है टॉम केलेंसी द्वारा निर्मित पात पर। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है मेस नेफील्ड, लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, डेविड बेरन, मार्क वेराडियर ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिश पाइन ने, केविन कॉस्टनर ने, किनेथ ब्राउन ने, कैरा नाइटली ने। इस फिल्म का छायाकार क्या है, हैरिस जेम्बल्यूकोस ने। यह फिल्म संपादित है मार्टिन वॉलस द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है प्रेटिक डॉयल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडॉन्स मीडियाज, डी बोनावेंटुरा पिक्चर्स, मैस नेफील्ड प्रोडक्शंस। यह फिल्म वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 17 जनवरी 2014 है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस फिल्म का कार्यकारी समय 105 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 मिलियन रहा और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 135.5 मिलियन रहा है। मूल पटकथा एडम कोजेंट और डेविड कोएब द्वारा लिखित गई है। फिल्म का निर्माण मैस नेफेल, लोरेंजो डी वेनाटुरा, डेविड बेरोन और मार्क वेराडियन द्वारा किया गया था, जिसमें डेविड एलिशन, डाना गोल्डबर्ग, पोल श्रके और टोमी हार्पर इस कार्य का निर्माता थे। फिल्म का श्रोक प्रेटिक डॉयल पर रचा गया था। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। इसमें 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा मिली है। यह करेंसी को समर्पित है, जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर 2013 को हुई थी। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 11 सितंबर के हमलों के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला जैक रेयन अफगानिस्तान के सेवानिवृत्त एक अमेरिकी मैरीन अधिकारी बन जाता है, जब तक कि उसने हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने पर अपने दो साथी नौसैनिकों को बचाते समय उसकी रीढ़ गंभीर रूप से घायल हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लंबे स्वास्थ्य लाभ के दौरान उसकी मुलाकात कैथी मूलर से होती है, जो एक मेडिकल छात्र है जो उसे ठीक होने में मदद कर रहा है। बाद में एक अनुभवी CIA अधिकारी थॉमस हॉर पर जैक की भर्ती करता है। 10 साल बाद रेयन वॉल ऑफ स्ट्रीट पर CIA के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है, जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन की तलाश कर रहा है, जो आतंकवादी गतिविधि का संकेत देता है। इसमें मूल रूप से बनाए गए लेन देन वित्तीय की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि को संकेत देता है, जबकि मूलर अपनी अब उसकी मंगेतर है। जब रूस संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण वोट हार जाता है और बाजार उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देता, और रेयन को पता चलता है कि रूसी व्यापारिक हितों के बाद मौजूद अरबों डॉलर, जिसमें से अधिकांश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी कुलीन विक्टर चेरेविन के हैं, गायब हो गए हैं,
रयान का नियोक्ता चेरेविन की व्यवसायों में से एक के साथ व्यापार करता है। जब एक ऑडिटर के रूप में रयान को कुछ खाते अपनी पहुंच से बाहर लगते हैं तो वह इसी मॉस्को जाने की जांच करने के लिए एक वैन बहाने के रूप में उपयोग करता है। खुद को अंगरक्षक बताने वाले एक हत्यारे द्वारा उसकी जान लेने की कोशिश के बाल बाल बचने के बाद रयान CIA के संपर्क करता है। आश्चर्यचकित होता है कि उसका बैकअप और पर है। स्टाइसा स्क्वायर में अपनी चर्चा के दौरान रयान बताने की कैसे चेरेविन के अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जाल संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आतंकवादी हमले के बाद पूर्ण वित्तीय पतन के लिए असुरक्षित बनता है। अगले दिन रयान की मुलाकात कात्या से होती है जो उसे चेरेविन के कार्यालय तक ले जाती है। उनकी बैठक में उन्हें बताया गया है कि समस्याग्रस्त कंपनी को उसकी सभी संपत्तियां भी अभी बेची गई हैं जिसमें ऑडिटर नहीं हो पा रहा है। इस बीच मुलर को संदेह होता है कि रयान का अफेयर चल रहा है। वह मास्को चला जाता है। अविवाहित जोड़ों के लिए प्रोटोकॉल के विरुद्ध रयान ने उसे अपनी CIA नौकरी के बारे में बताया। स्थिति में सुधार करते हुए हार्पर ने मुलर को चेरेविन के कार्यालय में घुसमेट करने में मदद करने के लिए मना लिया है। रयान और मुलर कार्यालय के सामने वाली सड़क को पार कर एक महंगे रेस्तरां में चेरेविन से मिलते हैं। रयान, जिसके कथित तौर पर रात में खाने से पहले ही बहुत अधिक शराब पी ली थी, अभद्र व्यवहार करता है और मुलर उसे सुझाव देता है कि वह टहल ले। चेरेविन का एक्सिस कार्ड प्राप्त करने के बाद रयान चेरेविन के कार्यालय में प्रवेश करता है जहाँ वह कंप्यूटर से महत्वपूर्ण फाइलें डाउनलोड करता है, जबकि मुलर चेरेविन के साथ विभिन्न विषयों में से एक ध्यान भटकती रहती है। वह ऐसे लक्षण देखती है जिससे पता चलता है कि उसे शिरोसिस है और उससे उसके बारे में पूछती है। चेरेविन ने कंप्यूटर का संदिग्ध गतिविधि का पता चला है और गार्ड मुस्पेट का पता लगाने के लिए इमारत में दौड़ पड़े हैं। कात्या चेरेविन को पाकर सतर्क हो जाती है जो गुस्से में मुलर को अपने कार्यालय लौटने के लिए रेस्तरां से बाहर ले जाता है। सड़क पर उसकी मुलाकात रयान से होती है और अपने व्यवहार के प्रति माफ़ी मांगता है और मुलर के साथ चला जाता है। चेरेविन के आदमी CIA समूह के अड्डे पर पता लगाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं और मुलर का आक्रमण प्राप्त लेते हैं। क्रोधित होकर रयान उसका पीछा करता है और उसे बचाता है। रयान और CIA को पता चला है कि चेरेविन के वर्षों के संघर्ष कर चीनी और जापानी राज्य अर्थव्यवस्थाओं को गुप्त रूप से सराहा दिया है, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। साथ ही अपने बेटे एलेक्जेंडर को सिप्लियर एजेंट के रूप में अमेरिकी रखने के लिए एक गलत मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। रयान पैटर्न पहचानने की अपनी प्रतिभा का उपकरण एक निर्धारित करने के लिए करता है और एलेक्जेंडर द्वारा स्ट्रीट पर एक आतंकवादी हमले को अंजाम देगा। न्यूयॉर्क से लौटकर वह एलेक्जेंडर द्वारा संचालित एक नकली पुलिस प्रतिक्रिया वाहन का पता लगाता है, उसे पकड़ लेता है और वाहन के अंदर एक बम का पता लगाता है। इसे शांत करने में असमर्थ वह वाहन का अपहरण कर लेता है और बाहर कूदते समय उसे पूर्वी नदी में गिरा देता है। बम विस्फोट हुआ है जिससे एलेक्जेंडर की मौत हो गई है। चेरेविन के साथी साजिशकर्ताओं ने अपने ट्रैक को छुपाने के लिए उसे मार डाला है। बाद में रयान, जो अब शादीशुदा है और हार्पर की राष्ट्रपति हो, उसके अगले कदम के बारे में जानकारी देने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। जैक रयान के रूप में क्रिश पाइन है, केनरा नाइटली डॉक्टर कैथरीन कैथी मूलर के रूप में है, थॉमस हार्पर्स के रूप में केविन कॉस्टलर है, विक्टर चेरेविन के रूप में कैनी ब्राउनसर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रैन कुदवाजेविकी है, एलेक्जेंडर ब्रोकास्टो के रूप में एले कोटाफ है, कात्या के रूप में एलिना वेलिका नोवा है, दिमित्री लेकमो के रूप में पीटर एंडरसन्स है, एनबी डिंग के रूप में नॉन्सो एनिजो है, रोब हैरिंगस के रूप में कोलम फोरे है, फोरे द सोमो फॉल फीचर्स के एक सहायक पात्र ऑलमंस के रूप में भी दिखाई दिए हैं, एमी चोंग के रूप में जेमा चोन है, डिक्चस लुइस के रूप में डेविन मेमस है, FBI लीडर एजेंट के रूप में करेन डेविड है, AFBI ऑपरेटिव के रूप में एरी के मेशेंस है, जॉन रॉबर्ट्स न्यूयॉर्क DWUP कार्यकर्ता के रूप में है, मिथाइरल बैरिस्टो आंतरिक मंत्री सर्गेई शिरोकिन के रूप में एक अज्ञात उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अपनी फिल्म द सम ऑफ ऑल पिक्चर्स की वित्तीय सफलता के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स की जैक रयान फिल्म श्रृंखला को जारी रखने का प्रयास किया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मैस नेफल के अनुसार बॉक्स ऑफिस फ्लो मिगली में शामिल होने के बाद बैन नेटफ्लिक्स को भविष्य की फिल्मों में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए काम पर नहीं रखा गया था, जिससे श्रृंखला रुक गई क्योंकि नम्रता निर्माता भूमिका को दोबारा मांगने में विफल रहे हैं।
सन 2008 में कंपनी सैम रेमी में नियुक्त स्पाइडरमैन 4 के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया है। अक्टूबर सन 2009 में पैरामाउंट और सह फाइनेंस स्क्वाडन प्रोडक्शन टॉम मैकेलेंसी के चित्र पर आधारित एक फिल्म में जैक रेयन को चित्रित करने के लिए अभिनेता क्रिश पाइन के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी भी किताब पर नहीं। उस समय निर्माता मेस निफल और लोरेंजो डी वोना वल्टुरा हुशे नामी द्वारा तैयार की गई एक मूल अवधारणा के साथ काम कर रहे थे, जिसके डेविड रेडी के वोना वेंटुरा के सह निर्माता के रूप में काम कर रहे थे। अगस्त सन 2010 में निर्देशक जैक बेंटर फिल्म का निर्देशन करने की दौड़ में सबसे आगे थे, जो एडम कोजात की अस्थायी रूप से मॉस्को शीर्षक द्वारा स्क्रिप्ट पर आधारित थी। अगले महीने लेखक एंथनी लेखम को पुनर्लेखन करने के लिए लाया गया है और बाद में स्टीव जेलिशियंस जिन्होंने क्लियर ए प्रेजेंट डेंजर्स के लिए पटकथा लिखी थी, जो कि पुनर्लेखन करने के लिए लगाया गया था। हालांकि जिलेनियम ने कुछ हफ्तों के बाद नाम वापस ले लिया और पाइन के लिए स्ट्रेट टाउन एटून्स डॉक्टर जेम टी की किर्क की भूमिका को दोबारा निभाने के लिए पैरामाउंट द्वारा फिल्म को रोक दिया है। इस दौरान डेविड कोएब को स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए लाया गया है, लेकिन शूटिंग सन 2012 को दूसरी छमाई में शुरू होने वाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों। 2014 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लेखक टॉम मैकेलेंसी द्वारा बनाए गए चरित्र जैक रेयन पर आधारित है। यह जैक रेयन श्रृंखला की 5वीं फिल्म उसकी दूसरी रीबूट है और पूर्ववर्तियों के विपरीत एक किसी विशेष कैलेंसी उपन्यास का रूपांतरण नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। क्रिस पाइन मुख्य भूमिका में है और एलेन बोल्डविन, हैरिसन फोर्ड और बेन एफ्लेक के बाद रेयन की भूमिका निभाने वाले चौथे अभिनेता बन गए हैं। फिल्म का निर्देशन केनेथ ब्राउन ने किया है, जिसमें केविन कोस्टनर और कायरा नाइटली भी है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं किनेथ ब्राउन। यह फिल्म लिखित है एडम कोजा डेविस कोएब पेपर। इस फिल्म की आधारिकता है टॉम कैलेंसी द्वारा निर्मित पात पर। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है मेस निफील्ड लोरेंजो डी बोनावेंटुरा डेविड बेरन मार्क वेराडियर ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिश पाइन ने, केविन कॉस्टनर ने, किनेथ ब्राउन ने, कायरा नाइटली ने। इस फिल्म का छायाकान क्या है हैरिस जेम्बाल्यूकोस ने। यह फिल्म संपादित है मार्टिन वॉलस द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है प्रेटिक डॉयल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडॉन्स, बीटियास, ड्रीप नो वेंटुरा पिक्चर्स, मैज निफिल्ड प्रोडक्शंस। यह फिल्म वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 17 जनवरी 2014 है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस फिल्म का कार्यकारी समय 105 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 मिलियन रहा। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 135.5 मिलियन रहा है। मूल पटकथा एडम कोजेल्ट और डेविड कोएब द्वारा लिखित गई है। फिल्म का निर्माण मेस निफिल्ड, लोरेंजो डी वेनाटुरा, डेविड बेरन और मार्क वेराडियन द्वारा किया गया था, जिसमें डेविड एलिसन, डाना गोल्डबर्ग, पॉल श्रके और टॉमी हार्पर्स कार्यकार निर्माता थे। फिल्म का श्रो प्रेटिक डॉयल पर रचा गया था। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। इसमें 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा मिली है। यह करेंसी को समर्पित है, जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर 2013 को हुई थी। आइए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म की कहानी के विषय में। 11 सितंबर के हमलों के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला जैक रेयन अफगानिस्तान के सेवानिवृत्त एक अमेरिकी मैरीन अधिकारी बन जाता है, जब तक कि उसने हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने पर अपने दो साथी नौसैनिकों को बचाते समय उसके रीढ़ गंभीर रूप से घायल हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लंबे स्वास्थ्य लाभ के दौरान उसकी मुलाकात कैथी मूलर से होती है, जो एक मेडिकल छात्र है जो उसे ठीक होने में मदद कर रहा है। बाद में एक अनुभवी CIA अधिकारी थॉमस हॉर्पर जैक की भर्ती करता है। 10 साल बाद रेयन वॉल ऑफ स्ट्रीट पर CIA के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है, जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की तलाश कर रहा है, जो आतंकवादी गतिविधि का संकेत देता है। इसमें मूल रूप से बनाए गए लेनदेन वित्तीय की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि को संकेत देता है, जबकि मूलर अपनी अब उसकी मंगेतर है। जब रूस
संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण वोट हार जाता है और बाजार उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देता। और रयान को पता चलता है कि रूसी व्यापारिक हितों के बाद मौजूद अरबों डॉलर, जिसमें से अधिकांश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी कुलीन विक्टर चेरेविन के हैं, गायब हो गए हैं। रयान का नियोक्ता चेरेविन के व्यवसायों में से एक के साथ व्यापार करता है। जब एक ऑडिटर के रूप में रयान को कुछ खाते अपनी पहुंच से बाहर लगते हैं तो वह इसी मास्को जाने की जांच करने के लिए एक वैन बहाने के रूप में उपयोग करता है। खुद को अंगरक्षक बताने वाले एक हत्यारी द्वारा उसकी जान लेने की कोशिश के बाल बाल बचने के बाद रयान CIA के संपर्क करता है। आश्चर्यचकित होता है कि उसका बैकअप और पर है। स्टाइसा स्क्वायर में अपनी चर्चा के दौरान रयान बताने की कैसे चेरेविन के अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जाल संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आतंकवादी हमले के बाद पूर्ण वित्तीय पतन के लिए असुरक्षित बनता है। अगले दिन रयान की मुलाकात कात्या से होती है, जो उसे चेरेविन के कार्यालय तक ले जाती है। उनकी बैठक में उन्हें बताया गया है कि समस्याग्रस्त कंपनी को उसकी सभी संपत्तियां भी अभी बेची गई हैं, जिसमें ऑडिटर नहीं हो पा रहा है। इस बीच मुलर को संदेह होता है कि रयान का अफेयर चल रहा है, वह मास्को चला जाता है। अविवाहित जोड़ों के लिए प्रोटोकॉल के विरुद्ध रयान ने उसे अपनी CIA नौकरी के बारे में बताया। स्थिति में सुधार करते हुए हार्पर ने मुलर को चेरेविन के कार्यालय में घुसपैठ करने में मदद करने के लिए मना लिया है। रयान और मुलर कार्यालय के सामने वाली सड़क को पार कर एक महंगे रेस्तरां में चेरेविन से मिलते हैं। रयान, जिसके कथित तौर पर रात में खाने से पहले ही बहुत अधिक शराब पी ली थी, एब्रक व्यवहार करता है और मुलर उसे सुझाव देता है कि वह टहल ले। चेरेविन का एक्सिस कार्ड प्राप्त करने के बाद रयान चेरेविन के कार्यालय में प्रवेश करता है, जहाँ वह कंप्यूटर से महत्वपूर्ण फाइलें डाउनलोड करता है। जबकि मुलर चेरेविन के साथ विभिन्न विषयों में से एक ध्यान भटकती रहती है, वह ऐसे लक्षण देखती है जिससे पता चलता है कि उसे शिरोसिस है और उससे उसके बारे में पूछती है। चेरेविन ने कंप्यूटर का संदिग्ध गतिविधि का पता चला है और गार्ड मुस्पेट का पता लगाने के लिए इमारत में दौड़ पड़े हैं। काट्या चेरेविन को पाकर सतर्क हो जाती है, जो गुस्से में मुलर को अपने कार्यालय लौटने के लिए रेस्तरां से बाहर ले जाता है। सड़क पर उसकी मुलाकात रयान से होती है और अपने व्यवहार के प्रति माफ़ी मांगता है और मुलर के साथ चला जाता है। चेरेविन के आदमी CIA समूह के अड्डे पर पता लगाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं और मुलर का आक्रमण प्राप्त लेते हैं। क्रोधित होकर रयान उसका पीछा करता है, उसे बचाता है। रयान और CIA को पता चला है कि चेरेविन के वर्षों के संघर्ष कर चीनी और जापानी राज्य अर्थव्यवस्थाओं को गुप्त रूप से सराहा दिया है, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। साथ ही अपने बेटे एलेक्जेंडर को सिप्लेयर एजेंट के रूप में अमेरिकी रखने के लिए एक गलत मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। रयान पैटर्न पहचानने की अपनी प्रतिभा का उपकरण एक निर्धारित करने के लिए करता है और एलेक्जेंडर द्वारा स्ट्रीट पर एक आतंकवादी हमले को अंजाम देगा। न्यूयॉर्क से लौटकर वह एलेक्जेंडर द्वारा संचालित एक नकली पुलिस प्रतिक्रिया वाहन का पता लगाता है, उसे पकड़ लेता है और वाहन के अंदर एक बम का पता लगाता है। इसे शांत करने में असमर्थ वह वाहन का अपहरण कर लेता है और बाहर कूदते समय उसे पूर्वी नदी में गिरा देता है। बम विस्फोट हुआ है, जिससे एलेक्जेंडर की मौत हो गई है। चेरेविन के साथी साजिशकर्ताओं ने अपने ट्रैक को छुपाने के लिए उसे मार डाला है। बाद में रयान, जो अब शादीशुदा है और हार्पर की राष्ट्रपति हो, उसके अगले कदम के बारे में जानकारी देने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। जैक रयान के रूप में क्रिश पाइन है, केनरा नाइटली डॉक्टर कैथरीन कैथी मुलर के रूप में है, थॉमस हार्पर्स के रूप में केविन कॉस्टलर है, विक्टर चेरेविन के रूप में कैनेट ब्राउनसर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रैन कुदवाजेविकी है, एलेक्जेंडर ब्रोकास्टो के रूप में एले कोटाउफ है, कात्या के रूप में एलिना वेलिकानोवा है, दिमित्री लेकमो के रूप में पीटर एंडरसन्स है, एनबी डिंग के रूप में नॉन्सो एनिजो है, रोब हैरिंगल्स के रूप में कोलम फोरे है, फोरे द सोमो फॉल फीचर्स के एक सहपात ऑलमंस के रूप में भी दिखाई दिए हैं, एमी चोंग के रूप में जेमा चोन है, डिक्चस लुइस के रूप में डेविन मेमस है, FBI लीडर एजेंट के रूप में करेन डेविड है, AFBI ऑपरेटिव के रूप में एरी के मेशेंस है, जॉन रॉबर्ट्स न्यूयॉर्क DWUP कार्यकर्ता के रूप में है, मिथाइरल बैरिस्टो आंतरिक मंत्री सर्गेई शिरोकिन के रूप में एक अज्ञात उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अपनी फिल्म द सम ऑफ ऑल फीचर्स की वित्तीय सफलता के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स के जैक रयान फिल्म श्रृंखला को जारी रखने का प्रयास किया है,
लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मैस निफल के अनुसार बॉक्स ऑफिस फ्लो मेगली में शामिल होने के बाद बेन नेटफ्लिक्स को भविष्य की फिल्मों में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए काम पर नहीं रखा गया था, जिससे श्रृंखला रुक गई क्योंकि नम्रता निर्माता भूमिका को दोबारा मांगने में विफल रहे हैं। सन 2008 में कंपनी सैम रेमी में नियुक्त स्पाइडरमैन 4 के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया है। अक्टूबर सन 2009 में पैरामाउंट और सह फाइनेंसिस स्क्वाड्रन प्रोडक्शंस टॉम मैकलेंसी के चरित्र पर आधारित एक फिल्म में जैक रेयन को चित्रित करने के लिए अभिनेता क्रिश पाइन के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी भी किताब पर नहीं। उस समय निर्माता मेस नेफल और लोरेंजो डी वोना वेल्डुरा हुशे नामनी द्वारा तैयार की गई एक मूल अवधारणा के साथ काम कर रहे थे, जिसके डेविड रेडी के बोनावेंटुरा के सह निर्माता के रूप में काम कर रहे थे। अगस्त सन 2010 में निर्देशक जैक बेंगटर फिल्म का निर्देशन करने की दौड़ में सबसे आगे थे, जो एडम कोजात की अस्थायी रूप से मॉस्को शीर्षक द्वारा स्क्रिप्ट पर आधारित थी। अगले महीने लेखक एंथनी लेखम को पुनर्लेखन करने के लिए लाया गया है और बाद में स्टीव जेलिशिम्स, जिन्होंने क्लियर ए प्रेजेंट डेंजर्स के लिए पटकथा लिखी थी, जो कि पुनर्लेखन करने के लिए लगाया गया था। हालांकि जिलेनियम ने कुछ हफ्तों के बाद नाम वापस ले लिया और पाइन के लिए स्ट्रेट टाउन एटून्स डॉक नेशन जेम टी की किर्क की भूमिका को दोबारा निभाने के लिए पैरामाउंट द्वारा फिल्म को रोक दिया है। इस दौरान डेविड कोएब को स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए लाया गया है, लेकिन शूटिंग सन 2012 को दूसरी छमाई में शुरू होने वाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों। 2014 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लेखक टॉम कैलेंसी द्वारा बनाए गए चरित्र जैक रेयन पर आधारित है। यह जैक रेयन श्रृंखला की 5वीं फिल्म, उसकी दूसरी रीबूट है और पूर्ववर्तियों के विपरीत एक किसी विशेष कैलेंसी उपन्यास का रूपांतरण नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। क्रिस पाइन मुख्य भूमिका में है और एलेन बोल्डविन, हैरिसन फोर्ड और बेन एफ्लेक के बाद रेयन की भूमिका निभाने वाले चौथे अभिनेता बन गए हैं। फिल्म का निर्देशन केनेथ ब्राउन ने किया है, जिसमें केविन कोस्टनर और कायरा नाइटली भी है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं केनेथ ब्राउन। यह फिल्म लिखित है एडम कोजा डेविस कोएब पर। इस फिल्म की आधारिकता है टॉम कैलेंसी द्वारा निर्मित पात पर। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है मेस निफील्ड, लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, डेविड बेरन, मार्क वेराडियो ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिश पाइन ने, केविन कॉस्टनर ने, केनेथ ब्राउन ने, कैरा नाइटली ने। इस फिल्म का छायाकरण क्या है हैरिस जेम्बल्यूकोस ने। यह फिल्म संपादित है मार्टिन वॉलस द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है प्रेटिक डॉयल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडॉन्स, बीटियास, डी बोनावेंटुरा पिक्चर्स, मैस निफील प्रोडक्शंस। यह फिल्म वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 17 जनवरी 2014 है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस फिल्म का कार्यकारी समय 105 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 मिलियन रहा। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 135.5 मिलियन रहा है। मूल पटकथा एडम कोजेंट और डेविड कोएब द्वारा लिखित गई है। फिल्म का निर्माण मैस नेफेल, लोरेंजो डी वेनाटुरा, डेविड बेरोन और मार्क वेराडियन द्वारा किया गया था, जिसमें डेविड एलिशन, डाना गोल्डबर्ग, पोल सुरके और टोमी हार्पर इस कार्य का निर्माता थे। फिल्म का श्रोक प्रेटिक डॉयल पर रचा गया था। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। इसमें 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा मिली है। यह करेंसी को समर्पित है, जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर 2013 को हुई थी। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 11 सितंबर के हमलों के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला जैक रेयन अफगानिस्तान के सेवानिवृत्त एक अमेरिकी मैरीन अधिकारी बन जाता है, जब तक कि उसने हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने पर अपने दो साथी नौसैनिकों को बचाते समय उसकी रीढ़ गंभीर रूप से घायल हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लंबे स्वास्थ्य लाभ के दौरान उसकी मुलाकात कैथी मूलर से होती है, जो एक मेडिकल छात्र है जो उसे ठीक होने में मदद कर रहा है। बाद में एक अनुभवी CIA अधिकारी थॉमस हॉर्पर जैक की भर्ती करता है। 10 साल बाद रेयन वॉल ऑफ स्ट्रीट पर CIA के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है, जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की तलाश कर रहा है, जो आतंकवादी गतिविधि का संकेत देता है। इसमें मूल रूप से
बनाए गए लेन देन वित्तीय की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि को संकेत देता है, जबकि मुलर अपनी अब उसकी मंगेतर है। जब रूस संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण वोट हार जाता है और बाजार उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देता और रयान को पता चलता है कि रूसी व्यापारिक हितों के बाद मौजूद अरबों डॉलर, जिसमें से अधिकांश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी कुलीन विक्टर चेरेविन के हैं, गायब हो गए हैं। रयान का नियोक्ता चेरेविन के व्यवसायों में से एक के साथ व्यापार करता है। जब एक ऑडिटर के रूप में रयान को कुछ खाते अपनी पहुंच से बाहर लगते हैं तो वह इसी मास्को जाने की जांच करने के लिए एक वैन बहाने के रूप में उपयोग करता है। खुद को अंगरक्षक बताने वाले एक हत्यारे द्वारा उसकी जान लेने की कोशिश के बाल बाल बचने के बाद रयान CIA के संपर्क करता है और आश्चर्यचकित होता है कि उसका बैकअप और पर है। स्टाइसा स्क्वायर में अपनी चर्चा के दौरान रयान बताने कि कैसे चेरेविन के अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जाल संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आतंकवादी हमले के बाद पूर्ण वित्तीय पतन के लिए असुरक्षित बनता है। अगले दिन रयान की मुलाकात कात्या से होती है जो उसे चेरेविन के कार्यालय तक ले जाती है। उनकी बैठक में उन्हें बताया गया है कि समस्याग्रस्त कंपनी को उसकी सभी संपत्तियां भी अभी बेची गई हैं, जिसमें ऑडिटर नहीं हो पा रहा है। इस बीच मुलर को संदेह होता है कि रयान का अफेयर चल रहा है और वह मास्को चला जाता है। अविवाहित जोड़ों के लिए प्रोटोकॉल के विरुद्ध रयान ने उसे अपनी CIA नौकरी के बारे में बताया। स्थिति में सुधार करते हुए हार्पर ने मुलर को चेरेविन के कार्यालय में घुसमेट करने में मदद करने के लिए मना लिया है। रयान और मुलर कार्यालय के सामने वाली सड़क को पार कर एक महंगे रेस्तरां में चेरेविन से मिलते हैं। रयान, जिसके कथित तौर पर रात में खाने से पहले ही बहुत अधिक शराब पी ली थी, अभद्र व्यवहार करता है और मुलर उसे सुझाव देता है कि वह टहल ले। चेरेविन का एक्सिस कार्ड प्राप्त करने के बाद रयान चेरेविन के कार्यालय में प्रवेश करता है, जहाँ वह कंप्यूटर से महत्वपूर्ण फाइलें डाउनलोड करता है, जबकि मुलर चेरेविन के साथ विभिन्न विषयों में से एक ध्यान भटकती रहती है। वह ऐसे लक्षण देखती है जिससे पता चलता है कि उसे शिरोसिस है और उससे उसके बारे में पूछती है। चेरेविन ने कंप्यूटर का संदिग्ध गतिविधि का पता चला है और गार्ड मुस्पेट का पता लगाने के लिए इमारत में दौड़ पड़े हैं। काट्या चेरेविन को पाकर सतर्क हो जाती है, जो गुस्से में मुलर को अपने कार्यालय लौटने के लिए रेस्तरां से बाहर ले जाता है। सड़क पर उसकी मुलाकात रयान से होती है और अपने व्यवहार के प्रति माफ़ी मांगता है और मुलर के साथ चला जाता है। चेरेविन के आदमी CIA समूह के अड्डे पर पता लगाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं और मुलर का आक्रमण प्राप्त लेते हैं। क्रोधित होकर रयान उसका पीछा करता है, उसे बचाता है। रयान और CIA को पता चला है कि चेरेविन के वर्षों के संघर्ष कर चीनी और जापानी राज्य अर्थव्यवस्थाओं को गुप्त रूप से सराहा दिया है, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। साथ ही अपने बेटे एलेक्जेंडर को सिप्लियर एजेंट के रूप में अमेरिकी रखने के लिए एक गलत मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। रयान पैटर्न पहचानने की अपनी प्रतिभा का उपकरण एक निर्धारित करने के लिए करता है और एलेक्जेंडर द्वारा स्ट्रीट पर एक आतंकवादी हमले को अंजाम देगा। न्यूयॉर्क से लौटकर वह एलेक्जेंडर द्वारा संचालित एक नकली पुलिस प्रतिक्रिया वाहन का पता लगाता है, उसे पकड़ लेता है और वाहन के अंदर एक बम का पता लगाता है। इसे शांत करने में असमर्थ वह वाहन का अपहरण कर लेता है और बाहर कूदते समय उसे पूर्वी नदी में गिरा देता है। बम विस्फोट हुआ है जिससे एलेक्जेंडर की मौत हो गई है। चेरेविन के साथी साजिशकर्ताओं ने अपने ट्रैक को छुपाने के लिए उसे मार डाला है। बाद में रयान, जो अब शादीशुदा है और हार्पर की राष्ट्रपति हो, उसके अगले कदम के बारे में जानकारी देने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। जैक रयान के रूप में क्रिश पाइन है, केनरा नाइटली डॉक्टर कैथरीन कैथी मूलर के रूप में है, थॉमस हार्पर्स के रूप में केविन कॉस्टलर है, विक्टर चेरेविन के रूप में कैनेट ब्राउनसर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रैन कुदवाजेविकी है, एलेक्जेंडर ब्रोकास्टो के रूप में एले कोटाव है, कात्या के रूप में एलिना वेलिकानोवा है, दिमित्री लेकमो के रूप में पीटर एंडरसन है, एनबी डिंग के रूप में नॉन्सो एनिजो है, रोब हैरिंगस के रूप में कोलम फोरे है, फोरे द सम ऑफ ऑल फीचर्स के एक सहायक पात्र ऑलमंस के रूप में भी दिखाई दिए हैं, एमी चोंग के रूप में जेमा चोन है, डिक्चस लुइस के रूप में डेविन मेमस है, FBI लीडर एजेंट के रूप में करेन डेविड हैं, AFBI ऑपरेटिव के रूप में एरी के मेशेंस है, जॉन रॉबर्ट्स न्यूयॉर्क DWUP कार्यकर्ता के रूप में है, मिथाइरल बैरिस्टियो आंतरिक मंत्री सर्गेई शिरोकिन के रूप में एक अज्ञात उपस्थिति दर्ज कराते हैं।
अपनी फिल्म का सम ऑफ ऑल पिक्चर्स की वित्तीय सफलता के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स के जे क्रेयॉन फिल्म श्रृंखला को जारी रखने का प्रयास किया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मैस नेफल्ड के अनुसार बॉक्स ऑफिस फ्लो मिगली में शामिल होने के बाद बेन नेटफ्लिक्स को भविष्य की फिल्मों में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए काम पर नहीं रखा गया था, जिससे श्रृंखला रुक गई क्योंकि नम्रता निर्माता भूमिका को दोबारा मांगने में विफल रहे हैं। सन 2008 में कंपनी सैम रेमी में नियुक्त स्पाइडरमैन 4 के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया है। अक्टूबर सन 2009 में पैरामाउंट और सह फाइनेंस स्क्वाड्रन प्रोडक्शंस टॉम एल्केलेंसी के चित्र पर आधारित एक फिल्म में जैक रेयॉन को चित्रित करने के लिए अभिनेता क्रिश पाइन के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी भी किताब पर नहीं। उस समय निर्माता मेस नेफल और लोरेंजो डी वोना वेल्डोरा हुशे नामनी द्वारा तैयार की गई एक मूल अवधारणा के साथ काम कर रहे थे, जिसके डेविड रेडी के वोना वेंटुरा के सह निर्माता के रूप में काम कर रहे थे। अगस्त सन 2010 में निर्देशक जैक बेंगटर फिल्म का निर्देशन करने की दौड़ में सबसे आगे थे, जो एडम कोजात की अस्थायी रूप से मॉस्को शीर्षक द्वारा स्क्रिप्ट पर आधारित थी। अगले महीने लेखक एंथनी लेखम को पुनर्लेखन करने के लिए लाया गया है और बाद में स्टीव जेलिशियम्स, जिन्होंने क्लियर ए प्रेजेंट डेंजर्स के लिए पटकथा लिखी थी, जो कि पुनर्लेखन करने के लिए लगाया गया था। हालांकि जेलिनियम ने कुछ हफ्तों के बाद नाम वापस ले लिया और पाइन के लिए स्टेट टाउन एटून्स डॉक नेशंस जेम टी की किर्क की भूमिका को दोबारा निभाने के लिए पैरामाउंट द्वारा फिल्म को रोक दिया है। इस दौरान डेविड कोएब को स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए लाया गया है, लेकिन शूटिंग सन 2012 को दूसरी छमाई में शुरू होने वाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों। 2014 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लेखक टॉम केलेंसी द्वारा बनाए गए चरित्र जैक रेयॉन पर आधारित है। यह जैक रेयॉन श्रृंखला की 5वीं फिल्म उसकी दूसरी रिबूट है और पूर्ववर्तियों के विपरीत एक किसी विशेष केलेंसी उपन्यास का रूपांतरण नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। क्रिस पाइन मुख्य भूमिका में है और एलेन बोल्डविन, हैरिसन फोर्ड और बेन एफ्लेक के बाद रेयॉन की भूमिका निभाने वाले चौथे अभिनेता बन गए हैं। फिल्म का निर्देशन केनेथ ब्राउन ने किया है, जिसमें केविन कोस्टनर और कायरा नाइटली भी है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं किनेथ ब्राउन। यह फिल्म लिखित है एडम कोजा डेविस कोएब पर। इस फिल्म की आधारिकता है टॉम केलेंसी द्वारा निर्मित पात पर। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है मेस नेफील्ड, लोरेंजो डी बोनावेंटुरा, डेविड बेरन, मार्क वेराडिया ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिश पाइन ने, केविन कॉस्टनर ने, किनेथ ब्राउन ने, कैरा नाइटली ने। इस फिल्म का छायाकार क्या है, हैरिस जेम्बाल्यूकोस ने। यह फिल्म संपादित है मार्टिन वॉलस द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है प्रेटिक डॉयल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडॉन्स मीडियाज, डी बोनावेंटुरा पिक्चर्स, मैस नेफील्ड प्रोडक्शंस। यह फिल्म वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 17 जनवरी 2014 है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस फिल्म का कार्यकारी समय 105 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 मिलियन रहा और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 135.5 मिलियन रहा है। मूल पटकथा एडम कोजेल्ट और डेविड कोएब द्वारा लिखित गई है। फिल्म का निर्माण मैस नेफील्ड, लोरेंजो डी वेनाटुरा, डेविड बेरोन और मार्क वेराडियन द्वारा किया गया था, जिसमें डेविड एलिशन, डाना गोल्डबर्ग, पोल श्रके और टॉमी हार्पर इस कार्य का निर्माता थे। फिल्म का श्रोक प्रेटिक डॉयल पर रचा गया था। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। इसमें 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा मिली है। यह करेंसी को समर्पित है, जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर 2013 को हुई थी। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 11 सितंबर के हमलों के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला जैक रेयॉन अफगानिस्तान के सेवानिवृत्त एक अमेरिकी मैरीन अधिकारी बन जाता है, जब तक कि उसने हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने पर अपने दो साथी नौसैनिकों को बचाते समय उसकी रीढ़ गंभीर रूप से घायल हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लंबे स्वास्थ्य लाभ के दौरान उसकी मुलाकात कैथी मूलर से होती है, जो एक मेडिकल छात्र है जो उसे ठीक होने में मदद कर रहा है। बाद में एक अनुभवी CIA अधिकारी थॉमस हॉर पर जैक की भर्ती करता है। 10 साल बाद रेयॉन वॉल ऑफ स्ट्रीट पर CIA के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है, जो संदिग्ध
वित्तीय लेनदेन की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि का संकेत देता है। इसमें मूल रूप से बनाए गए लेनदेन वित्तीय की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि को संकेत देता है, जबकि मुलर अपनी अब उसकी मंगेतर है। जब रूस संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण वोट हार जाता है और बाजार उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देता और रयान को पता चलता है कि रूसी व्यापारिक हितों के बाद मौजूद अरबों डॉलर, जिसमें से अधिकांश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी कुलीन विक्टर चेरेविन के हैं, गायब हो गए हैं। रयान का नियोक्ता चेरेविन के व्यवसायों में से एक के साथ व्यापार करता है। जब एक ऑडिटर के रूप में रयान को कुछ खाते अपनी पहुंच से बाहर लगते हैं तो वह इसी मॉस्को जाने की जांच करने के लिए एक वैन बहाने के रूप में उपयोग करता है। खुद को अंगरक्षक बताने वाले एक हत्यारे द्वारा उसकी जान लेने की कोशिश के बाल बाल बचने के बाद रयान CIA के संपर्क करता है। आश्चर्यचकित होता है कि उसका बैकअप और पर है। स्टाइसा स्क्वायर में अपनी चर्चा के दौरान रयान बताने की कैसे चेरेविन के अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जाल संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आतंकवादी हमले के बाद पूर्ण वित्तीय पतन के लिए असुरक्षित बनता है। अगले दिन रयान की मुलाकात कात्या से होती है जो उसे चेरेविन के कार्यालय तक ले जाती है। उनकी बैठक में उन्हें बताया गया है कि समस्याग्रस्त कंपनी को उसकी सभी संपत्तियाँ भी अभी बेची गई हैं, जिसमें ऑडिटर नहीं हो पा रहा है। इस बीच मुलर को संदेह होता है कि रयान का अफेयर चल रहा है, वह मास्को चला जाता है। अविवाहित जोड़ों के लिए प्रोटोकॉल के विरुद्ध रयान ने उसे अपनी CIA नौकरी के बारे में बताया। स्थिति में सुधार करते हुए हार्पर ने मुलर को चेरेविन के कार्यालय में घुसमेट करने में मदद करने के लिए मना लिया है। रयान और मुलर कार्यालय के सामने वाली सड़क को पार कर एक महंगे रेस्तरां में चेरेविन से मिलते हैं। रयान, जिसके कथित तौर पर रात में खाने से पहले ही बहुत अधिक शराब पी ली थी, अभद्र व्यवहार करता है और मुलर उसे सुझाव देता है कि वह टहल ले। चेरेविन का एक्सिस कार्ड प्राप्त करने के बाद रयान चेरेविन के कार्यालय में प्रवेश करता है, जहाँ वह कंप्यूटर से महत्वपूर्ण फाइलें डाउनलोड करता है, जबकि मुलर चेरेविन के साथ विभिन्न विषयों में से एक ध्यान भटकती रहती है। वह ऐसे लक्षण देखती है जिससे पता चलता है कि उसे शिरोसिस है और उससे उसके बारे में पूछती है। चेरेविन ने कंप्यूटर का संदिग्ध गतिविधि का पता चला है और गार्ड मुस्पेट का पता लगाने के लिए इमारत में दौड़ पड़े हैं। काट्या चेरेविन को पाकर सतर्क हो जाती है, जो गुस्से में मुलर को अपने कार्यालय लौटने के लिए रेस्तरां से बाहर ले जाता है। सड़क पर उसकी मुलाकात रयान से होती है और अपने व्यवहार के प्रति माफ़ी मांगता है और मुलर के साथ चला जाता है। चेरेविन के आदमी CIA समूह के अड्डे पर पता लगाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं और मुलर का आक्रमण प्राप्त लेते हैं। क्रोधित होकर रयान उसका पीछा करता है और उसे बचाता है। रयान और CIA को पता चला है कि चेरेविन के वर्षों के संघर्ष कर चीनी और जापानी राज्य अर्थव्यवस्थाओं को गुप्त रूप से सराहा दिया है, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। साथ ही अपने बेटे एलेक्जेंडर को सिप्लियर एजेंट के रूप में अमेरिकी रखने के लिए एक गलत मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। रयान पैटर्न पहचानने की अपनी प्रतिभा का उपकरण एक निर्धारित करने के लिए करता है और एलेक्जेंडर द्वारा स्ट्रीट पर एक आतंकवादी हमले को अंजाम देगा। न्यूयॉर्क से लौट कर वह एलेक्जेंडर द्वारा संचालित एक नकली पुलिस प्रतिक्रिया वाहन का पता लगाता है, उसे पकड़ लेता है और वाहन के अंदर एक बम का पता लगाता है। इसे शांत करने में असमर्थ वह वाहन का अपहरण कर लेता है और बाहर कूदते समय उसे पूर्वी नदी में गिरा देता है। बम विस्फोट हुआ है जिससे एलेक्जेंडर की मौत हो गई है। चेरेविन के साथी साजिशकर्ताओं ने अपने ट्रैक को छुपाने के लिए उसे मार डाला है। बाद में रयान, जो अब शादीशुदा है और हार्पर की राष्ट्रपति हो, उसके अगले कदम के बारे में जानकारी देने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। जैक रयान के रूप में क्रिश पाइन है, केनरा नाइटली डॉक्टर कैथरीन कैथी मुलर के रूप में है, थॉमस हार्पर्स के रूप में केविन कॉस्टलर है, विक्टर चेरेविन के रूप में कैनेट ब्राउनसन है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रैन कुदवाजेविकी है, एलेक्जेंडर ब्रोकास्टो के रूप में एले कोटाफ है, कात्या के रूप में एलिना वेलिकानोवा है, दिमित्री लेकमो के रूप में पीटर एंडरसन्स है, एनबी डिंग के रूप में नॉन्सो एनिजो है, रोब हैरिंगस के रूप में कोलम फोरे है, फोरे द सोमो फॉल फीचर्स के एक सहायक पात्र ऑलमंस के रूप में भी दिखाई दिए हैं, एमी चोंग के रूप में जेमा चोन है, डिक्चस लुइस के रूप में डेविन मेमस है, FBI लीडर एजेंट के रूप में करेन डेविड है, AFBI ऑपरेटिव के रूप में एरिक मेशेंस है, जॉन रॉबर्ट्स न्यूयॉर्क
DWUP कार्यकर्ता के रूप में है। मिथाइल बेरिश्को आंतरिक मंत्री सर्गेई शिरोकिन के रूप में एक अज्ञात उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अपनी फिल्म द सम ऑफ ऑल पिक्चर्स की वित्तीय सफलता के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स के जेक रेयॉन फिल्म श्रृंखला को जारी रखने का प्रयास किया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मैस नेफल के अनुसार बॉक्स ऑफिस फ्लो मिगली में शामिल होने के बाद बेन नेटफ्लिक्स को भविष्य की फिल्मों में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए काम पर नहीं रखा गया था, जिससे श्रृंखला रुक गई क्योंकि नम्रता निर्माता भूमिका को दोबारा मांगने में विफल रहे हैं। सन 2008 में कंपनी शैम रायमिली में नियुक्त स्पाइडरमैन 4 के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया है। अक्टूबर सन 2009 में पैरामाउंट और सह फाइनेंस स्क्वाडन प्रोडक्शंस टॉम मैकलेंसी के चित्र पर आधारित एक फिल्म में जेक रेयॉन को चित्रित करने के लिए अभिनेता क्रिश पाइन के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी भी किताब पर नहीं। उस समय निर्माता मेस नेफल और लोरेंजो डी वोना वल्टुरा हुशे नामी द्वारा तैयार की गई एक मूल अवधारणा के साथ काम कर रहे थे, जिसके डेविड रेडी के वोना वेंटुरा के सह निर्माता के रूप में काम कर रहे थे। अगस्त सन 2010 में निर्देशक जेक बेंटर फिल्म का निर्देशन करने की दौड़ में सबसे आगे थे, जो एडम कोजात की अस्थायी रूप से मॉस्को शीर्षक द्वारा स्क्रिप्ट पर आधारित थी। अगले महीने लेखक एंथनी लेखम को पुनर्लेखन करने के लिए लाया गया है और बाद में स्टीव जेलिशियम्स जिन्होंने क्लियर ए प्रेजेंट डेंजर्स के लिए पटकथा लिखी थी, जो कि पुनर्लेखन करने के लिए लगाया गया था। हालांकि जिलेनियम ने कुछ हफ्तों के बाद नाम वापस ले लिया और पाइन के लिए स्ट्रेट टाउन एटून्स डॉक्टर जेम टी की किर्क की भूमिका को दोबारा निभाने के लिए पैरामाउंट द्वारा फिल्म को रोक दिया है। इस दौरान डेविड कोएब को स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए लाया गया है, लेकिन शूटिंग सन 2012 को दूसरी छमाई में शुरू होने वाली थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों। 2014 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लेखक टॉम मैकलेंसी द्वारा बनाए गए चरित्र जेक रेयॉन पर आधारित है। यह जेक रेयॉन श्रृंखला की 5वीं फिल्म उसकी दूसरी रिबूट है और पूर्ववर्तियों के विपरीत एक किसी विशेष कैलेंसी उपन्यास का रूपांतरण नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। क्रिस पाइन मुख्य भूमिका में है और एलेन बोल्डविन हैरिसन फोर्ड और बेन एफ्लेक के बाद रेयॉन की भूमिका निभाने वाले चौथे अभिनेता बन गए हैं। फिल्म का निर्देशन केनेथ ब्राउन ने किया है, जिसमें केविन कोस्टनर और कायरा नाइटली भी है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं किनेथ ब्राउन। यह फिल्म लिखित है एडम कोजा डेविस कोएब पेपर। इस फिल्म की आधारिकता है टॉम कैलेंसी द्वारा निर्मित पात पर। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है मेस नेफील्ड लोरेंजो डी बोना वेंटुरा डेविड बेरन मार्क वेराडियर ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिश पाइन ने, केविन कॉस्टनर ने, किनेथ ब्राउन ने, कायरा नाइटली ने। इस फिल्म का छायाकान क्या है हैरिस जेम्बाल्यूकोस ने। यह फिल्म संपादित है मार्टिन वॉलस द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है प्रेटिक डॉयल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडॉन्स बीटियास जी बनो वेंटुरा पिक्चर्स मैस नेफील्ड प्रोडक्शंस। यह फिल्म वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 17 जनवरी 2014 है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस फिल्म का कार्यकारी समय 105 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 मिलियन रहा और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 135.5 मिलियन रहा है। मूल पटकथा एडम कोजेंट और डेविड कोएब द्वारा लिखित गई है। फिल्म का निर्माण मैस नेफील्ड लोरेंजो डी वेनाटुरा डेविड बेरन और मार्क वेराडियन द्वारा किया गया था, जिसमें डेविड एलिसन डाना गोल्डबर्ग पोल श्रके और टोमी हार्पर्स कार्यकार निर्माता थे। फिल्म का श्रो प्रेटिक डॉयल पर रचा गया था। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। इसमें 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा मिली है। यह करेंसी को समर्पित है, जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर 2013 को हुई थी। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 11 सितंबर के हमलों के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला जेक रेयॉन अफगानिस्तान के सेवानिवृत्त एक अमेरिकी मैरीन अधिकारी बन जाता है, जब तक कि उसने हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने पर अपने दो साथी नौसैनिकों को बचाते समय उसकी रीढ़ गंभीर रूप से घायल हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लंबे स्वास्थ्य लाभ के दौरान उसकी मुलाकात कैथी मूलर से होती है, जो एक मेडिकल छात्र है जो उसे ठीक होने में मदद कर रहा है।
बाद में एक अनुभवी CIA अधिकारी थॉमस और जेक की भर्ती करता है। 10 साल बाद रयान वोलोफ स्ट्रीट पर CIA के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है, जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि का संकेत देता है। इसमें मूल रूप से बनाए गए लेन देन वित्तीय की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि को संकेत देता है, जबकि मुलर अपनी अब उसकी मंगेतर है। जब रूस संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण वोट हार जाता है और बाजार उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देता और रयान को पता चलता है कि रूसी व्यापारिक हितों के बाद मौजूद अरबों डॉलर, जिसमें से अधिकांश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी कुलीन विक्टर चेरेविन के हैं, गायब हो गए हैं। रयान का नियोक्ता चेरेविन के व्यवसायों में से एक के साथ व्यापार करता है। जब एक ऑडिटर के रूप में रयान को कुछ खाते अपनी पहुंच से बाहर लगते हैं तो वह इसी मास्को जाने की जांच करने के लिए एक वैन बहाने के रूप में उपयोग करता है। खुद को अंगरक्षक बताने वाले एक हत्यारी द्वारा उसकी जान लेने की कोशिश के बाल बाल बचने के बाद रयान CIA के संपर्क करता है। आश्चर्यचकित होता है कि उसका बैकअप और पर है। स्टाइसा स्क्वायर में अपनी चर्चा के दौरान रयान बताने की कैसे चेरेविन के अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जाल संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आतंकवादी हमले के बाद पूर्ण वित्तीय पतन के लिए असुरक्षित बनता है। अगले दिन रयान की मुलाकात कात्या से होती है, जो उसे चेरेविन के कार्यालय तक ले जाती है। उनकी बैठक में उन्हें बताया गया है कि समस्याग्रस्त कंपनी को उसकी सभी संपत्तियां भी अभी बेची गई हैं, जिसमें ऑडिटर नहीं हो पा रहा है। इस बीच मुलर को संदेह होता है कि रयान का अफेयर चल रहा है और वह मास्को चला जाता है। अविवाहित जोड़ों के लिए प्रोटोकॉल के विरुद्ध रयान ने उसे अपनी CIA नौकरी के बारे में बताया। स्थिति में सुधार करते हुए हार्पर ने मुलर को चेरेविन के कार्यालय में घुसपैठ करने में मदद करने के लिए मना लिया है। रयान और मुलर कार्यालय के सामने वाली सड़क को पार कर एक महंगे रेस्तरां में चेरेविन से मिलते हैं। रयान, जिसके कथित तौर पर रात में खाने से पहले ही बहुत अधिक शराब पी ली थी, अभद्र व्यवहार करता है और मुलर उसे सुझाव देता है कि वह टहल ले। चेरेविन का एक्सिस कार्ड प्राप्त करने के बाद रयान चेरेविन के कार्यालय में प्रवेश करता है, जहाँ वह कंप्यूटर से महत्वपूर्ण फाइलें डाउनलोड करता है, जबकि मुलर चेरेविन के साथ विभिन्न विषयों में से एक ध्यान भटकती रहती है। वह ऐसे लक्षण देखती है जिससे पता चलता है कि उसे शिरोसिस है और उससे उसके बारे में पूछती है। चेरेविन ने कंप्यूटर का संदिग्ध गतिविधि का पता चला है और गार्ड मुस्पेट का पता लगाने के लिए इमारत में दौड़ पड़े हैं। काट्या चेरेविन को पाकर सतर्क हो जाती है, जो गुस्से में मुलर को अपने कार्यालय लौटने के लिए रेस्तरां से बाहर ले जाता है। सड़क पर उसकी मुलाकात रयान से होती है और अपने व्यवहार के प्रति माफ़ी मांगता है और मुलर के साथ चला जाता है। चेरेविन के आदमी CIA समूह के अड्डे पर पता लगाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं और मुलर का आक्रमण प्राप्त लेते हैं। क्रोधित होकर रयान उसका पीछा करता है, उसे बचाता है। रयान और CIA को पता चला है कि चेरेविन के वर्षों के संघर्ष कर चीनी और जापानी राज्य अर्थव्यवस्थाओं को गुप्त रूप से सराहा दिया है, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। साथ ही अपने बेटे एलेक्जेंडर को सिप्लियर एजेंट के रूप में अमेरिकी रखने के लिए एक गलत मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। रयान पैटर्न पहचानने की अपनी प्रतिभा का उपकरण एक निर्धारित करने के लिए करता है और एलेक्जेंडर द्वारा स्ट्रीट पर एक आतंकवादी हमले को अंजाम देगा। न्यूयॉर्क से लौटकर वह एलेक्जेंडर द्वारा संचालित एक नकली पुलिस प्रतिक्रिया वाहन का पता लगाता है, उसे पकड़ लेता है और वाहन के अंदर एक बम का पता लगाता है। इसे शांत करने में असमर्थ वह वाहन का अपहरण कर लेता है और बाहर कूदते समय उसे पूर्वी नदी में गिरा देता है। बम विस्फोट हुआ है जिससे एलेक्जेंडर की मौत हो गई है। चेरेविन के साथी साजिशकर्ताओं ने अपने ट्रैक को छुपाने के लिए उसे मार डाला है। बाद में रयान, जो अब शादीशुदा है और हार्पर की राष्ट्रपति हो, उसके अगले कदम के बारे में जानकारी देने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। जेक रयान के रूप में क्रिश पाइन है, केनरा नाइटली डॉक्टर कैथरीन कैथी मुलर के रूप में है, थॉमस हार्पर्स के रूप में केविन कॉस्टलर है, विक्टर चेरेविन के रूप में कैनेट ब्राउनसन है, कॉन्स्टेंटिशन के रूप में रैन कुदवाजेविकी है, एलेक्जेंडर ब्रोकास्टो के रूप में एलेको टाउफ है, कात्या के रूप में एलिना वेलिका नोवा है, दिमित्री लेकमो के रूप में पीटर एंडरसन है, एनबी डिंग के रूप में नॉन्सो एनिजो है, रोब हैरिंगल्स के रूप में कोलम फोरे है, फोरे द सोमो फॉल फीचर्स के एक सहायक ऑलमंस के रूप में भी दिखाई दिए हैं, एमी चोंग के रूप में जेमा चोन है, डिक्चस लुइस के रूप में डेविन मेमस है,
एफबीआई लीडर एजेंट के रूप में करेन डेविड हैं। एफबीआई ऑपरेटिव्स के रूप में एरी के मिशेंस हैं। जॉन रॉबर्ट्स न्यूयॉर्क DWUP कार्यकर्ता के रूप में है। मिथाइल बेरिश्को आंतरिक मंत्री सर्गेई शिरोकिन के रूप में एक अज्ञात उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अपनी फिल्म द सम ऑफ ऑल पिक्चर्स की वित्तीय सफलता के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स के जेक रेयन फिल्म श्रृंखला को जारी रखने का प्रयास किया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मैस नेफल के अनुसार बॉक्स ऑफिस फ्लोर मिगली में शामिल होने के बाद बेन नेटफ्लिक्स को भविष्य की फिल्मों में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए काम पर नहीं रखा गया था, जिससे श्रृंखला रुक गई क्योंकि नम्रता निर्माता भूमिका को दोबारा मांगने में विफल रहे हैं। सन 2008 में कंपनी सैम रेमी में नियुक्त स्पाइडरमैन 4 के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया है। अक्टूबर सन 2009 में पैरामाउंट और सह फाइनेंसिस स्क्वाड्रन प्रोडक्शंस टॉम एल्केलेंसी के चित्र पर आधारित एक फिल्म में जेक रेयन को चित्रित करने के लिए अभिनेता क्रिश पाइन के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी भी किताब पर नहीं। उस समय निर्माता मेस नेफल और लोरेंजो डी वोना वाल्डोरा हुशे नामनी द्वारा तैयार की गई एक मूल अवधारणा के साथ काम कर रहे थे, जिसके डेविड रेडी के बोना वेंटुरा के सह निर्माता के रूप में काम कर रहे थे। अगस्त सन 2010 में निर्देशक जेक बेंगटर फिल्म का निर्देशन करने की दौड़ में सबसे आगे थे, जो एडम कोजात की अस्थायी रूप से मॉस्को शीर्षक द्वारा स्क्रिप्ट पर आधारित थी। अगले महीने लेखक एंथनी लेखम को पुनर्लेखन करने के लिए लाया गया है और बाद में स्टीव जेलिशिम्स, जिन्होंने क्लियर ए प्रेजेंट डेंजर्स के लिए पटकथा लिखी थी, जो कि पुनर्लेखन करने के लिए लगाया गया था। हालांकि जिलेनियम ने कुछ हफ्तों के बाद नाम वापस ले लिया और पाइन के लिए स्ट्रेट टाउन एटून्स डॉक्टर जेम टी की किर्क की भूमिका को दोबारा निभाने के लिए पैरामाउंट द्वारा फिल्म को रोक दिया है। इस दौरान डेविड कोएब को स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए लाया गया है, लेकिन शूटिंग सन 2012 को दूसरी छमाई में शुरू होने वाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों। 2014 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लेखक टॉम केलेंसी द्वारा बनाए गए चरित्र जेक रेयन पर आधारित है। यह जेक रेयन श्रृंखला की 5वीं फिल्म उसकी दूसरी रीबूट है और पूर्ववर्तियों के विपरीत एक किसी विशेष केलेंसी उपन्यास का रूपांतरण नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। क्रिस पाइन मुख्य भूमिका में है और एलेन बोल्डविन, हैरिसन फोर्ड और बेन एफ्लेक के बाद रेयन की भूमिका निभाने वाले चौथे अभिनेता बन गए हैं। फिल्म का निर्देशन केनेथ ब्राउन ने किया है, जिसमें केविन कोस्टनर और कायरा नाइटली भी है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं केनेथ ब्राउन। यह फिल्म लिखित है एडम कोजा डेविस कोएब पर। इस फिल्म की आधारिकता है टॉम केलेंसी द्वारा निर्मित पात पर। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है मेस नेफील्ड लोरेंजो डी बोनावेंटुरा डेविड बेरन मार्क वेराडे ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिश पाइन ने, केविन कॉस्टनर ने, केनेथ ब्राउन ने, कैरा नाइटली ने। इस फिल्म का छायाकार क्या है हैरिस जेम्बल्यूकोस ने। यह फिल्म संपादित है मार्टिन वॉलस द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है प्रेटिक डॉयल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडॉन्स बीटियास ड्रीप नोवेंटुरा पिक्चर्स मैस नीफिल्ड प्रोडक्शंस। यह फिल्म वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 17 जनवरी 2014 है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस फिल्म का कार्यकारी समय 105 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 मिलियन रहा। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 135.5 मिलियन रहा है। मूल पटकथा एडम कोजेंट और डेविड कोएब द्वारा लिखित गई है। फिल्म का निर्माण मैस नेफेल, लोरेंजो डी वेनाटुरा, डेविड बेरोन और मार्क वेराडियन द्वारा किया गया था, जिसमें डेविड एलिशन, डाना गोल्डबर्ग, पोल सुरके और टोमी हार्पर्स कार्य का निर्माता थे। फिल्म का श्रोक प्रेटिक डॉयल पर रचा गया था। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। इसमें 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा मिली है। यह करेंसी को समर्पित है, जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर 2013 को हुई थी। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 11 सितंबर के हमलों के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला जेक रेयन अफगानिस्तान के सेवानिवृत्त एक अमेरिकी मैरीन अधिकारी बन जाता है, जब तक कि उसने हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने पर अपने दो साथी नौसैनिकों को बचाते समय
उसकी रीढ़ गंभीर रूप से घायल हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लंबे स्वास्थ्य लाभ के दौरान उसकी मुलाकात कैथी मूलर से होती है, जो एक मेडिकल छात्र है जो उसे ठीक होने में मदद कर रहा है। बाद में एक अनुभवी CIA अधिकारी थॉमस और जेक की भर्ती करता है। 10 साल बाद रयान वोलोफ स्ट्रीट पर CIA के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है, जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि का संकेत देता है। इसमें मूल रूप से बनाए गए लेन देन वित्तीय की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि को संकेत देता है, जबकि मूलर अपनी अब उसकी मंगेतर है। जब रूस संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण वोट हार जाता है और बाजार उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देता, और रयान को पता चलता है कि रूसी व्यापारिक हितों के बाद मौजूद अरबों डॉलर, जिसमें से अधिकांश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी कुलीन विक्टर चेरेविन के हैं, गायब हो गए हैं। रयान का नियोक्ता चेरेविन के व्यवसायों में से एक के साथ व्यापार करता है। जब एक ऑडिटर के रूप में रयान को कुछ खाते अपनी पहुंच से बाहर लगते हैं, तो वह इसी मास्को जाने की जांच करने के लिए एक वैन बहाने के रूप में उपयोग करता है। खुद को अंगरक्षक बताने वाले एक हत्यारे द्वारा उसकी जान लेने की कोशिश के बाल बाल बचने के बाद रयान CIA के संपर्क करता है। आश्चर्यचकित होता है कि उसका बैकअप और पर है। स्टाइसा स्क्वायर में अपनी चर्चा के दौरान रयान बताने कि कैसे चेरेविन के अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जाल संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आतंकवादी हमले के बाद पूर्ण वित्तीय पतन के लिए असुरक्षित बनता है। अगले दिन रयान की मुलाकात कात्या से होती है, जो उसे चेरेविन के कार्यालय तक ले जाती है। उनकी बैठक में उन्हें बताया गया है कि समस्याग्रस्त कंपनी को उसकी सभी संपत्तियां भी अभी बेची गई हैं, जिसमें ऑडिटर नहीं हो पा रहा है। इस बीच मुलर को संदेह होता है कि रयान का अफेयर चल रहा है, वह मास्को चला जाता है। अविवाहित जोड़ों के लिए प्रोटोकॉल के विरुद्ध रयान ने उसे अपनी CIA नौकरी के बारे में बताया। स्थिति में सुधार करते हुए हार्पर ने मुलर को चेरेविन के कार्यालय में घुसमेट करने में मदद करने के लिए मना लिया है। रयान और मुलर कार्यालय के सामने वाली सड़क को पार कर एक महंगे रेस्तरां में चेरेविन से मिलते हैं। रयान, जिसके कथित तौर पर रात में खाने से पहले ही बहुत अधिक शराब पी ली थी, अभद्र व्यवहार करता है और मुलर उसे सुझाव देता है कि वह टहल ले। चेरेविन का एक्सिस कार्ड प्राप्त करने के बाद रयान चेरेविन के कार्यालय में प्रवेश करता है, जहाँ वह कंप्यूटर से महत्वपूर्ण फाइलें डाउनलोड करता है, जबकि मुलर चेरेविन के साथ विभिन्न विषयों में से एक ध्यान भटकती रहती है। वह ऐसे लक्षण देखती है जिससे पता चलता है कि उसे शिरोसिस है, और उससे उसके बारे में पूछती है। चेरेविन ने कंप्यूटर का संदिग्ध गतिविधि का पता चला है और गार्ड मुस्पेट का पता लगाने के लिए इमारत में दौड़ पड़े हैं। काट्या चेरेविन को पाकर सतर्क हो जाती है, जो गुस्से में मुलर को अपने कार्यालय लौटने के लिए रेस्तरां से बाहर ले जाता है। सड़क पर उसकी मुलाकात रयान से होती है और अपने व्यवहार के प्रति माफ़ी मांगता है और मुलर के साथ चला जाता है। चेरेविन के आदमी CIA समूह के अड्डे पर पता लगाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं और मुलर का आक्रमण प्राप्त लेते हैं। क्रोधित होकर रयान उसका पीछा करता है और उसे बचाता है। रयान और CIA को पता चला है कि चेरेविन के वर्षों के संघर्ष कर चीनी और जापानी राज्य अर्थव्यवस्थाओं को गुप्त रूप से सराहा दिया है, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। साथ ही अपने बेटे एलेक्जेंडर को सिप्लियर एजेंट के रूप में अमेरिकी रखने के लिए एक गलत मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। रयान पेटर्न पहचानने की अपनी प्रतिभा का उपकरण एक निर्धारित करने के लिए करता है और एलेक्जेंडर द्वारा स्ट्रीट पर एक आतंकवादी हमले को अंजाम देगा। न्यूयॉर्क से लौटकर वह एलेक्जेंडर द्वारा संचालित एक नकली पुलिस प्रतिक्रिया वाहन का पता लगाता है, उसे पकड़ लेता है और वाहन के अंदर एक बम का पता लगाता है। इसे शांत करने में असमर्थ वह वाहन का अपहरण कर लेता है और बाहर कूदते समय उसे पूर्वी नदी में गिरा देता है। बम विस्फोट हुआ है, जिससे एलेक्जेंडर की मौत हो गई है। चेरेविन के साथी साजिशकर्ताओं ने अपने ट्रैक को छुपाने के लिए उसे मार डाला है। बाद में रयान, जो अब शादीशुदा है और हार्पर की राष्ट्रपति हो, उसके अगले कदम के बारे में जानकारी देने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। जैक रयान के रूप में क्रिश पाइन है, केनरा नाइटली डॉक्टर कैथरीन कैथी मूलर के रूप में है, थॉमस हार्पर्स के रूप में केविन कॉस्टलर है, विक्टर चेरेविन के रूप में कैनेट ब्राउनसर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रैन कुदवाजेवी की हैं, एलेक्जेंडर ब्रोकास्टो के रूप में एले कोटाफ है, कात्या के रूप में एलिना वेलिकानोवा है, दिमित्री लेकमो के रूप में पीटर एंडरसन है,
एनबीडिंग के रूप में नॉन्सो, एनिजो है रोब हैरिंगस के रूप में कोलम फोरे है, फोरे द सोमोफॉल फीचर्स के एक सहपात ऑलमंड्स के रूप में भी दिखाई दिए हैं, एमिचोन के रूप में जेमा चोन है, डिक्चिस लुइस के रूप में डेविन मेमस है, एफपीआई लीडर एजेंट के रूप में करेंट डेविड है, एएफबीआई ऑपरेटिव के रूप में एरी के मिशेंस है, जॉन रॉबर्ट्स न्यूयॉर्क डीडब्ल्यूयूपी कार्यकर्ता के रूप में है, मिथाइरल बेरिस्टियो आंतरिक मंत्री सर्गेई शिरोकिन के रूप में एक अज्ञात उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अपनी फिल्म द सम ऑफ ऑल पिक्चर्स की वित्तीय सफलता के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स के जेक रेयॉन फिल्म श्रृंखला को जारी रखने का प्रयास किया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मैस नेफल के अनुसार बॉक्स ऑफिस फ्लो मेगली में शामिल होने के बाद बेन नेटफ्लिक्स को भविष्य की फिल्मों में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए काम पर नहीं रखा गया था, जिससे श्रृंखला रुक गई क्योंकि नम्रता निर्माता भूमिका को दोबारा मांगने में विफल रहे हैं। सन 2008 में कंपनी सैम रेमी में नियुक्त स्पाइडरमैन 4 के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया है। अक्टूबर सन 2009 में पैरामाउंट और सह फाइनेंसिस स्क्वाड्रन प्रोडक्शंस टॉम एल्केलेंसी के चित्र पर आधारित एक फिल्म में जेक रेयॉन को चित्रित करने के लिए अभिनेता क्रिश पाइन के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी भी किताब पर नहीं। उस समय निर्माता मेस नेफल और लोरेंजो डी वोना वेल्डोरा हुशे नामी द्वारा तैयार की गई एक मूल अवधारणा के साथ काम कर रहे थे, जिसके डेविड रेडी के बोना वेंटुरा के सह निर्माता के रूप में काम कर रहे थे। अगस्त सन 2010 में निर्देशक जेक बेंगटर फिल्म का निर्देशन करने की दौड़ में सबसे आगे थे, जो एडम कोजात की अस्थायी रूप से मॉस्को शीर्षक द्वारा स्क्रिप्ट पर आधारित थी। अगले महीने लेखक एंथनी लेखम को पुनर्लेखन करने के लिए लाया गया है और बाद में स्टीव जेलिशिम्स जिन्होंने क्लियर ए प्रेजेंट डेंजर्स के लिए पटकथा लिखी थी, जो कि पुनर्लेखन करने के लिए लगाया गया था। हालांकि जिलेनियम ने कुछ हफ्तों के बाद नाम वापस ले लिया और पाइन के लिए स्टेट टाउन एटून्स डॉक्टर जेम टी की किर्क की भूमिका को दोबारा निभाने के लिए पैरामाउंट द्वारा फिल्म को रोक दिया है। इस दौरान डेविड कोएब को स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए लाया गया है, लेकिन शूटिंग सन 2012 को दूसरी छमाई में शुरू होने वाली थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों। 2014 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो लेखक टॉम केलेंसी द्वारा बनाए गए चरित्र जेक रेयॉन पर आधारित है। यह जेक रेयॉन श्रृंखला की 5वीं फिल्म उसकी दूसरी रिबूट है और पूर्ववर्तियों के विपरीत एक किसी विशेष केलेंसी उपन्यास का रूपांतरण नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। क्रिस पाइन मुख्य भूमिका में है और एलेन बोल्डविन, हैरिसन फोर्ड और बेन एफ्लेक के बाद रेयॉन की भूमिका निभाने वाले चौथे अभिनेता बन गए हैं। फिल्म का निर्देशन केनेथ ब्राउन ने किया है, जिसमें केविन कोस्टनर और कायरा नाइटली भी है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं किनेथ ब्राउन। यह फिल्म लिखित है एडम कोजा डेविस कोएब पर। इस फिल्म की आधारिकता है टॉम केलेंसी द्वारा निर्मित पात पर। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है मेस नेफील्ड लोरेंजो डी बोनावेंटुरा डेविड बेरन मार्क वेराडियन ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिश पाइन ने, केविन कॉस्टनर ने, किनेथ ब्राउन ने, कैरा नाइटली ने। इस फिल्म का छायाकार क्या है हैरिस जेम्बल्यूकोस ने। यह फिल्म संपादित है मार्टिन वॉलस द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है प्रेटिक डॉयल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडॉन्स मीडियाज, डी बोनावेंटुरा पिक्चर्स, मैस नेफील्ड प्रोडक्शंस। यह फिल्म वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 17 जनवरी 2014 जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस फिल्म का कार्यकारी समय 105 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 मिलियन रहा। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 135.5 मिलियन रहा है। मूल पटकथा एडम कोजेल्ट और डेविड कोएब द्वारा लिखित गई है। फिल्म का निर्माण मैस नेफील, लोरेंजो डी वेनाटुरा, डेविड बेरोन और मार्क वेराडियन द्वारा किया गया था, जिसमें डेविड एलिशन, डाना गोल्डबर्ग, पोल श्रके और टोमी हार्पर इस कार्य का निर्माता थे। फिल्म का श्रोक प्रेटिक डॉयल पर रचा गया था। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। इसमें 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और इसे मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा मिली है। यह करेंसी को समर्पित है, जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर 2013 को हुई थी। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। 11 सितंबर के हमलों के बाद लंदन स्कूल ऑफ
इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला जेक रेयोन अफगानिस्तान के शिवानृत एक अमेरिकी मैरीन अधिकारी बन जाता है, जब तक कि उसने हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने पर अपने दो साथी नौसैनिकों को बचाते समय उसकी रीढ़ गंभीर रूप से घायल हो जाती है। सही तरह से अमेरिका में एक लंबे स्वास्थ्य लाभ के दौरान उसकी मुलाकात कैथी मूलर से होती है, जो एक मेडिकल छात्र है जो उसे ठीक होने में मदद कर रहा है। बाद में एक अनुभवी CIA अधिकारी थॉमस और पर जेक की भर्ती करता है। 10 साल बाद रयान वोलोफ स्ट्रीट पर CIA के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है, जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि का संकेत देता है। इसमें मूल रूप से बनाए गए लेन देन वित्तीय की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि को संकेत देता है, जबकि मूलर अपनी अब उसकी मंगेतर है। जब रूस संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण वोट हार जाता है और बाजार उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देता, और रयान को पता चलता है कि रूसी व्यापारिक हितों के बाद मौजूद अरबों डॉलर, जिसमें से अधिकांश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी कुलीन विक्टर चेरेविन के हैं, गायब हो गए हैं। रयान का नियोक्ता चेरेविन के व्यवसायों में से एक के साथ व्यापार करता है, जब एक ऑडिटर के रूप में रयान को कुछ खाते अपनी पहुंच से बाहर लगते हैं तो वह इसी मास्को जाने की जांच करने के लिए एक वैन बहाने के रूप में उपयोग करता है। खुद को अंगरक्षक बताने वाले एक हत्यारे द्वारा उसकी जान लेने की कोशिश के बाल बाल बचने के बाद रयान CIA के संपर्क करता है और आश्चर्यचकित होता है कि उसका बैकअप और पर है। स्टाइसा स्क्वायर में अपनी चर्चा के दौरान रयान बताने की कैसे चेरेविन के अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जाल संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आतंकवादी हमले के बाद पूर्ण वित्तीय पतन के लिए असुरक्षित बनता है। अगले दिन रयान की मुलाकात कात्या से होती है, जो उसे चेरेविन के कार्यालय तक ले जाती है। उनकी बैठक में उन्हें बताया गया है कि समस्याग्रस्त कंपनी को उसकी सभी संपत्तियाँ भी अभी बेची गई हैं, जिसमें ऑडिटर नहीं हो पा रहा है। इस बीच मुलर को संदेह होता है कि रयान का अफेयर चल रहा है, वह मास्को चला जाता है। अविवाहित जोड़ों के लिए प्रोटोकॉल के विरुद्ध रयान ने उसे अपनी CIA नौकरी के बारे में बताया। इस स्थिति में सुधार करते हुए हार्पर ने मुलर को चेरेविन के कार्यालय में घुसमेट करने में मदद करने के लिए मना लिया है। रयान और मुलर कार्यालय के सामने वाली सड़क को पार कर एक महंगे रेस्तरां में चेरेविन से मिलते हैं। रयान, जिसके कथित तौर पर रात में खाने से पहले ही बहुत अधिक शराब पी ली थी, अभद्र व्यवहार करता है और मुलर उसे सुझाव देता है कि वह टहल ले। चेरेविन का एक्सिस कार्ड प्राप्त करने के बाद रयान चेरेविन के कार्यालय में प्रवेश करता है, जहाँ वह कंप्यूटर से महत्वपूर्ण फाइलें डाउनलोड करता है, जबकि मुलर चेरेविन के साथ विभिन्न विषयों में से एक ध्यान भटकती रहती है। वह ऐसे लक्षण देखती है जिससे पता चलता है कि उसे शिरोसिस है और उससे उसके बारे में पूछती है। चेरेविन ने कंप्यूटर का संदिग्ध गतिविधि का पता चला है और गार्ड मुस्पेट का पता लगाने के लिए इमारत में दौड़ पड़े हैं। कात्या चेरेविन को पाकर सतर्क हो जाती है, जो गुस्से में मुलर को अपने कार्यालय लौटने के लिए रेस्तरां से बाहर ले जाता है। सड़क पर उसकी मुलाकात रयान से होती है और अपने व्यवहार के प्रति माफ़ी मांगता है और मुलर के साथ चला जाता है। चेरेविन के आदमी CIA समूह के अड्डे पर पता लगाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं और मुलर का आक्रमण प्राप्त लेते हैं। क्रोधित होकर रयान उसका पीछा करता है और उसे बचाता है। रयान और CIA को पता चला है कि चेरेविन के वर्षों के संघर्ष कर चीनी और जापानी राज्य अर्थव्यवस्थाओं को गुप्त रूप से सराहा दिया है, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। साथ ही अपने बेटे एलेक्जेंडर को सिप्लियर एजेंट के रूप में अमेरिकी रखने के लिए एक गलत मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। रयान पैटर्न पहचानने की अपनी प्रतिभा का उपकरण एक निर्धारित करने के लिए करता है और एलेक्जेंडर द्वारा स्ट्रीट पर एक आतंकवादी हमले को अंजाम देगा। न्यूयॉर्क से लौट कर वह एलेक्जेंडर द्वारा संचालित एक नकली पुलिस प्रतिक्रिया वाहन का पता लगाता है, उसे पकड़ लेता है और वाहन के अंदर एक बम का पता लगाता है। इसे शांत करने में असमर्थ वह वाहन का अपहरण कर लेता है और बाहर कूदते समय उसे पूर्वी नदी में गिरा देता है। बम विस्फोट हुआ है, जिससे एलेक्जेंडर की मौत हो गई है। चेरेविन के साथी साजिशकर्ताओं ने अपने ट्रैक को छुपाने के लिए उसे मार डाला है। बाद में रयान, जो अब शादीशुदा है और हार्पर की राष्ट्रपति हो, उसके अगले कदम के बारे में जानकारी देने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। जेक रयान के रूप में क्रिश पाइन है, केनरा नाइटली डॉक्टर कैथरीन कैथी मूलर के रूप में है, थॉमस हार्पर्स के रूप में केविन कॉस्टलर है,
विक्टर चेरिविन के रूप में कैनी ब्राउनसर्स हरे कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रैन कुदवाजेवी की हैं। एलेक्जेंडर्स ब्रोकास्टो के रूप में एले कोटाफ है। कात्या के रूप में एलिना वेलिका नोवा है। दिमित्री लेकमो के रूप में पीटर एंडरसन्स है। एनबी डिंग के रूप में नॉन्सो एनिजो है। रोब हैरिंगस के रूप में कोलम फोरे है। फोरे द सोमो फॉर फीचर्स के एक सहायक एलिमेंट्स के रूप में भी दिखाई दिए हैं। एमी चोंग के रूप में जेमा चोन है। डिक्चिस लुइस के रूप में डेविन मेमस है। एफबीआई लीडर एजेंट के रूप में करेन डेविड है। एएफबीआई ऑपरेटिव्स के रूप में एरी के मेशेंस है। जॉन रॉबर्ट्स न्यूयॉर्क डीडब्ल्यूयूपी कार्यकर्ता के रूप में है। मिथाइल बैरिश के आंतरिक मंत्री सर्गेई शिरोकिन के रूप में एक अज्ञात उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अपनी फिल्म द सम ऑफ ऑल फीचर्स की वित्तीय सफलता के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स के जेक रेयॉन फिल्म श्रृंखला को जारी रखने का प्रयास किया है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। मैस नेफल के अनुसार बॉक्स ऑफिस फ्लो मिगली में शामिल होने के बाद बेन नेटफ्लिक्स को भविष्य की फिल्मों में अपनी भूमिका को दोबारा निभाने के लिए काम पर नहीं रखा गया था, जिससे श्रृंखला रुक गई क्योंकि नम्रता निर्माता भूमिका को दोबारा मांगने में विफल रहे हैं। सन 2008 में कंपनी शैम रायमिली में नियुक्ति स्पाइडरमैन 4 के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया है। अक्टूबर सन 2009 में पैरामाउंट और सह फाइनेंस स्क्वाडन प्रोडक्शंस टॉम एल्केलेंसी के चित्र पर आधारित एक फिल्म में जेक रेयॉन को चित्रित करने के लिए अभिनेता क्रिश पाइन के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन किसी भी किताब पर नहीं। उस समय निर्माता मेस नेफल और लोरेंजो डी वोना वल्डुरा हुशे नामी द्वारा तैयार की गई एक मूल अवधारणा के साथ काम कर रहे थे, जिसके डेविड रेडी के बोना वेंटुरा के सह निर्माता के रूप में काम कर रहे थे। अगस्त सन 2010 में निर्देशक जेक बेंटर फिल्म का निर्देशन करने की दौड़ में सबसे आगे थे, जो एडम कोजात की अस्थायी रूप से मॉस्को शीर्षक द्वारा स्क्रिप्ट पर आधारित थी। अगले महीने लेखक एंथनी लेखम को पुनर्लेखन करने के लिए लाया गया है और बाद में स्टीव जेलिशिम्स जिन्होंने क्लियर ए प्रेजेंट डेंजर्स के लिए पटकथा लिखी थी, जो कि पुनर्लेखन करने के लिए लगाया गया था। हालांकि जिलेनियम ने कुछ हफ्तों के बाद नाम वापस ले लिया और पाइन के लिए स्ट्रेट टाउन एटून्स डॉक्टर जेम टी की किर्क की भूमिका को दोबारा निभाने के लिए पैरामाउंट द्वारा फिल्म को रोक दिया है। इस दौरान डेविड कोएब को स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए लाया गया है, लेकिन शूटिंग सन 2012 को दूसरी छमाई में शुरू होने वाली थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों। 2014 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो लेखक टॉम केलेंसी द्वारा बनाए गए चरित्र जेक रेयॉन पर आधारित है। यह जेक रेयॉन श्रृंखला की 5वीं फिल्म उसकी दूसरी रीबूट है और पूर्ववर्तियों के विपरीत एक किसी विशेष केलेंसी उपन्यास का रूपांतरण नहीं है, बल्कि एक मूल कहानी है। क्रिस पाइन मुख्य भूमिका में है और एलेन बोल्डविन हैरिसन फोर्ड और बेन एफ्लेक के बाद रेयॉन की भूमिका निभाने वाले चौथे अभिनेता बन गए हैं। फिल्म का निर्देशन केनेथ ब्राउन ने किया है, जिसमें केविन कोस्टनर और कायरा नाइटली भी है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं केनेथ ब्राउन। यह फिल्म लिखित है एडम कोजा डेविस कोएब पेपर। इस फिल्म की आधारिकता है टॉम केलेंसी द्वारा निर्मित पात पर। इस फिल्म की उत्पादन कंपनी है मेस नेफील्ड लोरेंजो डी बोना वेंटुरा डेविड बेरन मार्क वेराडियर ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है क्रिश पाइन ने, केविन कॉस्टनर ने, केनेथ ब्राउन ने, कायरा नाइटली ने। इस फिल्म का छायाकान क्या है हैरिस जेम्बाल्यूकोस ने। यह फिल्म संपादित है मार्टिन वॉलस द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है प्रेटिक डॉयल ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं स्काईडॉन्स बीटियास ड्रीप नो वेंटुरा पिक्चर्स मैस नेफील्ड प्रोडक्शंस। यह फिल्म वितरित है श्रेष्ठ तस्वीर द्वारा। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 17 जनवरी 2014 है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस फिल्म का कार्यकारी समय 105 मिनट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अंग्रेजी भाषा में बनाई गई फिल्म है। इस फिल्म का बजट 60 मिलियन रहा और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 135.5 मिलियन रहा है। मूल पटकथा एडम कोजेंट और डेविड कोएब द्वारा लिखित गई है। फिल्म का निर्माण मैस नेफील्ड लोरेंजो डी वेनाटुरा डेविड बेरोन और मार्क वेराडियन द्वारा किया गया था, जिसमें डेविड एलिशन डाना गोल्डबर्ग पोल श्रोके और टोमी हार्पर्स कार्य का निर्माता थे। फिल्म का श्रोक प्रेटिक डॉयल पर रचा गया था। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 जनवरी 2014 को रिलीज हुई थी। इसमें 130 मिलियन से अधिक की कमाई की और
इसे मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा मिली है। यह करेंसी को समर्पित है जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर 2013 को हुई थी। आइए दोस्तों बात करते हैं फिल्म की कहानी के विषय में। 11 सितंबर के हमलों के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाला जेक रेओन अफगानिस्तान के सेवानिवृत्त एक अमेरिकी मैरीन अधिकारी बन जाता है, जब तक कि उसने हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने पर अपने दो साथी नौसैनिकों को बचाते समय उसकी रीढ़ गंभीर रूप से घायल हो जाती है। सही तरह से अमेरिका में एक लंबे स्वास्थ्य लाभ के दौरान उसकी मुलाकात कैथी मूलर से होती है, जो एक मेडिकल छात्र है जो उसे ठीक होने में मदद कर रहा है। बाद में एक अनुभवी CIA अधिकारी थॉमस और पर जेक की भर्ती करता है। 10 साल बाद रयान वोलोफ स्ट्रीट पर CIA के लिए गुप्त रूप से काम कर रहा है, जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि का संकेत देता है। इसमें मूल रूप से बनाए गए लेन देन वित्तीय की तलाश कर रहा है जो आतंकवादी गतिविधि को संकेत देता है, जबकि मूलर अपनी अब उसकी मंगेतर है। जब रूस संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक महत्वपूर्ण वोट हार जाता है और बाजार उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देता और रयान को पता चलता है कि रूसी व्यापारिक हितों के बाद मौजूद अरबों डॉलर, जिसमें से अधिकांश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी कुलीन विक्टर चेरेविन के हैं, गायब हो गए हैं। रयान का नियोक्ता चेरेविन के व्यवसायों में से एक के साथ व्यापार करता है। जब एक ऑडिटर के रूप में रयान को कुछ खाते अपनी पहुंच से बाहर लगते हैं तो वह इसी मास्को जाने की जांच करने के लिए एक वैन बहाने के रूप में उपयोग करता है। खुद को अंगरक्षक बताने वाले एक हत्यारी द्वारा उसकी जान लेने की कोशिश के बाल बाल बचने के बाद रयान CIA के संपर्क करता है और आश्चर्यचकित होता है कि उसका बैकअप और पर है। स्टाइसा स्क्वायर में अपनी चर्चा के दौरान रयान बताने की कैसे चेरेविन के अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जाल संयुक्त राज्य अमेरिका को एक आतंकवादी हमले के बाद पूर्ण वित्तीय पतन के लिए असुरक्षित बनता है। अगले दिन रयान की मुलाकात कात्या से होती है, जो उसे चेरेविन के कार्यालय तक ले जाती है। उनकी बैठक में उन्हें बताया गया है कि समस्याग्रस्त कंपनी को उसकी सभी संपत्तियाँ भी अभी बेची गई हैं, जिसमें ऑडिटर नहीं हो पा रहा है। इस बीच मुलर को संदेह होता है कि रयान का अफेयर चल रहा है, वह मास्को चला जाता है। अविवाहित जोड़ों के लिए प्रोटोकॉल के विरुद्ध रयान ने उसे अपनी CIA नौकरी के बारे में बताया। इस स्थिति में सुधार करते हुए हार्पर ने मुलर को चेरेविन के कार्यालय में घुसपैठ करने में मदद करने के लिए मना लिया है। रयान और मुलर कार्यालय के सामने वाली सड़क को पार कर एक महंगे रेस्तरां में चेरेविन से मिलते हैं। रयान, जिसके कथित तौर पर रात में खाने से पहले ही बहुत अधिक शराब पी ली थी, अभद्र व्यवहार करता है और मुलर उसे सुझाव देता है कि वह टहल ले। चेरेविन का एक्सिस कार्ड प्राप्त करने के बाद रयान चेरेविन के कार्यालय में प्रवेश करता है, जहाँ वह कंप्यूटर से महत्वपूर्ण फाइलें डाउनलोड करता है, जबकि मुलर चेरेविन के साथ विभिन्न विषयों में से एक ध्यान भटकती रहती है। वह ऐसे लक्षण देखती है जिससे पता चलता है कि उसे सिरोसिस है और उससे उसके बारे में पूछती है। चेरेविन ने कंप्यूटर का संदिग्ध गतिविधि का पता चला है और गार्ड मुस्पेट का पता लगाने के लिए इमारत में दौड़ पड़े हैं। कात्या चेरेविन को पाकर सतर्क हो जाती है, जो गुस्से में मुलर को अपने कार्यालय लौटने के लिए रेस्तरां से बाहर ले जाता है। सड़क पर उसकी मुलाकात रयान से होती है और अपने व्यवहार के प्रति माफ़ी मांगता है और मुलर के साथ चला जाता है। चेरेविन के आदमी CIA समूह के अड्डे पर पता लगाते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं और मुलर का आक्रमण प्राप्त लेते हैं। क्रोधित होकर रयान उसका पीछा करता है, उसे बचाता है। रयान और CIA को पता चला है कि चेरेविन के वर्षों के संघर्ष कर चीनी और जापानी राज्य अर्थव्यवस्थाओं को गुप्त रूप से सराहा दिया है, जिसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। साथ ही अपने बेटे एलेक्जेंडर को सिप्लेयर एजेंट के रूप में अमेरिकी रखने के लिए एक गलत मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। रयान पैटर्न पहचानने की अपनी प्रतिभा का उपकरण एक निर्धारित करने के लिए करता है और एलेक्जेंडर द्वारा स्ट्रीट पर एक आतंकवादी हमले को अंजाम देगा। न्यूयॉर्क से लौटकर वह एलेक्जेंडर द्वारा संचालित एक नकली पुलिस प्रतिक्रिया वाहन का पता लगाता है, उसे पकड़ लेता है और वाहन के अंदर एक बम का पता लगाता है। इसे शांत करने में असमर्थ वह वाहन का अपहरण कर लेता है और बाहर कूदते समय उसे पूर्वी नदी में गिरा देता है। बम विस्फोट हुआ है जिससे एलेक्जेंडर की मौत हो गई है। चेरेविन के साथी साजिशकर्ताओं ने अपने ट्रैक को छुपाने के लिए उसे मार डाला है। बाद में रयान, जो अब शादीशुदा है और हार्पर की राष्ट्रपति हो, उसके अगले कदम के बारे में जानकारी देने के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में।
जेक रेयन के रूप में क्रिश पाइन है, केनरा नाइटली डॉक्टर कैथरीन कैथी मूलर के रूप में है, थॉमस हार्पर्स के रूप में केविन कॉस्टलर है, विक्टर चेरिविन के रूप में कैनेथ ब्राउनसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रैन कुदवाजीवीटी हैं, एलेक्जेंडर्स ब्रोकास्टो के रूप में एले कोटाउफ है, कात्या के रूप में एलिना वेलिका नोवा है, दिमित्री लेकमो के रूप में पीटर एंडरसन्स है, एनबी डिंग के रूप में नॉन्सो एनिजो है, रोब हैरिंगस के रूप में कोलम फोरे है, फोरे द सोमोफॉल फीचर्स के एक सहायक पात्र ऑलमंस के रूप में भी दिखाई दिए हैं, एमी चोंग के रूप में जेमा चोन है, डिक्चस लुइस के रूप में डेविन मेमस है, FBI लीडर एजेंट के रूप में करेन डेविड हैं, AFBI ऑपरेटिव के रूप में एरी के मिशेंस हैं, जॉन रॉबर्ट्स न्यूयॉर्क DWUP कार्यकर्ता के रूप में है, मिथाइरल बेरिस्टो आंतरिक मंत्री सर्गेई शिरोकिन के रूप में एक अज्ञात उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अपनी फिल्म द सम ऑफ ऑल फीचर्स की वित्तीय सफलता के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स के